हमको छोड़ दो भैया, हमने का बिगाड़ा, हमें कुछ नहीं मालूम भैया, हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे हाथ में भैया छोड़ दो, हमें कुछ नहीं मालूम, गंगा का है तुम। गणेश वो तेरा रिश्तेदार है ना, कहाँ छुपाया उसे? भैया वो यहाँ नहीं आया, भैया हमका बिल्कुल नहीं पता, हम हाथ जोड़ते हैं, हमका छोड़ दो, हमका रुक जाओ, सुनो भाई, लगता है गणेश के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जहाँ नचेरी मिलेंगे कैसे भाग रहा है देखो, अपनी भड़ास को दिल में दबा के रखो, जैसे ही गणेश हाथ लगेगा उसे उसे काट डालेंगे। गला सूखने तक इन लोगों ने तुझसे पूछा, लेकिन ऐसे तुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं, तेरा नसीब खोटा है। अरे चल रहा, कोई मुझे बचाओ, भगवान, बाप रे, जलन हो रही है, अरे चल रहा है, कोई कुछ करो, कोई कुछ करता क्यों नहीं? गणेश, अगर तेरे जान बचाने वालों का ये हाल है तो तेरा क्या हाल होगा? भवानी के खिलाफ किसी ने मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन किया है, वो पता लगाने के लिए मार रहे हैं। मारने वाला भी कोई आएगा भवानी? किसने बोला, किसने मेरे खिलाफ किसने आवाज उठाई? तुम में इतनी हिम्मत, आज के बाद यहाँ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, तो डालो सबको। तुम लोग सुने सुना, इस तरह की गुंडागर्दी क्यों करते हो? ए, प्रोफेसर हो इसलिए चुप हो, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। बेखबर जा रहा है, किताब पढ़ने के लिए होती है, फेंकने के लिए नहीं। कॉमेडी कर रहा है, कॉलेज में नया है क्या? भगवानी, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। मिसेस पार्वती, इस बार भवानी सिंह को माफ कर दीजिए। चेयरमैन का बेटा है इसलिए? हमारे चेयरमैन हर अमीर गरीब बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर बने इसी मकसद से इस मेडिकल कॉलेज को बनाया है, लेकिन उन्हीं की औलाद दूसरे स्टूडेंट्स के लिए रुकावट है ये जान गए तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ही इज ए हार्ट पेशेंट। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन ये कोई मेडिकल कॉलेज थोड़ी ना लगता है।
फिर से भवानी इस तरह की हरकत करे और आप चुप रहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। आई एम सॉरी सर। यस सर। मिस्टर गणेश, आप फोर्थ ईयर में वो भी बीच में भर्ती हो रहे हो, खुद को कॉलेज और हॉस्टल तक सीमित रखिए, उसी में आपकी भलाई है और हमारी भी। अब आप जाके हॉस्टल के वार्डन से मिलिए। थैंक यू सर। से मिलने के लिए कोई आया? कौन आया है? ये खड़ा है, देख ले। खत लाया है। लड़का तो हाइट और वेट वाला जवान मर्द है, इसी के कंधे पे बंदूक रख के मैं गोली चलाऊंगा। ये काम कर, भाई को ले आके मेरे कमरे में बिठा, मैं थोड़ी देर में आके इनसे मिलता हूँ। ये लो, तुम जाओ भाई। क्या है कि? अरे कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, फिक्र मत करो। तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। चलिए, मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्डन, ये कौन है? कौन है? 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान है, पूछते कौन है? मेरा सेटअप क्यों हुआ गुंडा है यार, जो स्टूडेंट बन के आया है। आज के बाद इस हॉस्टल में कब कहां और क्या होगा कोई भी नहीं बोल सकता, जान लो। वो कोई पेपर दिखा रहा था आपको? वो भवानी सिंह को किस किस तरीके से काबू में करना है उसके बारे में लिस्ट बना के मैंने दिया था, परफेक्ट है बोल के दिखा रहा था। यही बात है। क्या है कि अब इस पे खर्च करने के लिए पैसे काफी नहीं होंगे। हमने दिया है ना? मारूंगा साले, वो तो एडवांस के लिए भी पूरा नहीं हुआ। एक दिन में 500 रुपया खर्चा है उसका, उतनी तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलती। अब मैं कहां जाऊंगा? हम लोग और भी देंगे। अरे ये हुई ना बात, डालो डालो मेरा राजा डालो। अब उस भवानी की कहानी हमेशा के लिए बेमानी कर दूंगा। तुम लोग एक काम करो, दूसरे लोगों से भी पैसे वसूल करके जाओ। बाप रे। ए भाई गणेश, तुम एक समझदार बालक हो, इसलिए तुम्हें मेरे कंट्रोल में रखवाया है डीन ने। मुझसे पूछे बिना ना तुम चलोगे, ना हिलोगे और ना इधर उधर घूमोगे। सिर्फ यही नहीं, इस हॉस्टल में किसी से बात तक नहीं करोगे। क्यों? ठीक है, समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ गए तो अच्छा है, ऐसे घूर क्यों रहे भैया? गुड नाइट, लाइट ऑफ करके पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूं। स्टडी कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। हेलो, ये मैं गणेश बोल रहा हूँ। ए गणेश, तू मेरी बात ध्यान से सुन। गंगू कालिया के फरार होते ही उसके कुछ आदमी तुझे मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। जेल में राजा भैया से मिलने के लिए उसके कुछ गुंडे वहाँ भी आने वाले हैं, इसलिए बेवजह तू बाहर मत घूमना, अपना ख्याल रखना। ठीक है यार। मुझे कातिल मत बना। बोल गणेश कहाँ है? बोल बोल जी, बोल कहाँ है गणेश? अरे तू तो बोल, बोल ना। अरे बाप रे, मर गया। हट जा, हट जा, हट बे। गंगू भाई, अरे छोड़ ना, अरे छोड़, छोड़ ना। ये क्या भाई? आओ बहन जी, आओ ना, बैठ जाओ, बैठो बैठो। गणेश कहाँ है पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन निकम्मे लोग ये तो हे मंगल, जब ये नहीं जानते कि वो कहाँ है तो बेचारे क्या बताएंगे। हाँ ए, जो हुआ उसके लिए माफी मांग। माफ करो ओ बाबा, माफ करो। ए चुपचाप चलना, चलता बहन जी। आ,
ओए, चाय कॉफी पीने वाले तुम लोगों में इतना दम है तो रोज किसी न किसी का खून पीने वाले मुझ जैसे गुंडे में कितना दम होगा, काट डालूंगा। ओए, तुम तीनों को क्यों जिंदा छोड़ रहा पता है? जैसे तुम बचाना चाहते हो उसकी बोटी बोटी करके तुम लोगों के सामने फेंक दूंगा और तुम लोग वो नजारा देखोगे, देखोगे। अरे गणेश, तेरी मौत बन के मैं आ रहा हूँ। जानता था इस तरह बाहर जाओगे, पहले ही बताया था ना कि बाहर मत घूमो, हॉस्टल में रहो। दोबारा फिर ऐसा मत करना। गाड़ी निकालो। हेलो व्हाइट रिकॉर्डिंग, छोड़ दीजिए ना सर, ये 50 से नहीं चलेगा। हाईवे पेट्रोल। हेलो व्हाइट रिकॉर्डिंग, हाईवे पेट्रोल, व्हाइट रिकॉर्डिंग। यस सर, एक्सप्रेसवे में 4 बाइक ओवर स्पीड में आ रही है। रोको 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 रोको, लाइसेंस निकालो। हाय, क्या चाहिए? कुछ नहीं तो हम लोग जाइए जाइए, आप लोग जा सकती हैं। तो जेल 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 फिर तो ना।
ने मर्दों की साइकोलॉजी पर रिसर्च करके कैसे कैसे पॉइंट्स निकाले हैं पता है? तेरी नजर में सारे मर्द विमेनाइजर्स हैं, फ्लर्ट ना करने वाले मर्द भी तो होते हैं। नहीं, मेरी रिसर्च 100% सही है, सारे मर्द ऐसे ही हैं। जरा भी अकल नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए आई हो ना, वहाँ क्लास चल रहा है, यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। ये काफी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है ना। हाँ। चल इन्हें दीवाना बना के दिखा, तब मानूंगी। बस इतना ही, एक मिनट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय डार्लिंग। कौन है? सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया, बट आपकी आवाज है ना एकदम सेक्सी है। ये मुझसे बहुत सी लड़कियों ने कहा है। मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ ना? आर यू फ्री? मुझे और क्या क्या, दिन रात बात कर सकता हूँ। आप दिखने में कैसे हैं? गजरी फिल्म देखी तुमने? उसमें आठ पैक वाला अमीर है ना, बिल्कुल वैसा ही हूँ। गंजा अमीर की तरह? अरे नहीं नहीं नहीं, फ्लैशबैक में जो आता है ना संजय सिंघानिया, मैं उसकी तरह हूँ। एक बात मालूम है, तुम जिस मोबाइल से बात कर रही हो ना वो किसकी कंपनी है? मेरी कंपनी। अरे वाह, ये आपकी है? आपसे बात करती हुई मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ पता है? It's all in the game. तो क्लास में आइए ना सर। बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, कबाब में हड्डी बन रही हो। वैसे भी पढ़ के कौन सा 100 मार्क लेने वाली हो? बस नाम है ज्ञानेश्वरी, चला। क्या कह रहे थे? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। कुछ क्लास लेसन ऐसा कुछ कह रहे थे ना। आपकी आवाज तो बिल्कुल हमारे प्रोफेसर टकलू रामपाल की तरह। इस तरह क्यों डर रही हो? अरे नहीं चाचा, मैंने आपको नहीं कहा। हमारा वो बुढ़ा खूसट उल्लू का पट्टा लुच्चा लफंगा लाल टपकाने वाले उस प्रोफेसर को डांट रही थी। समझदार बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ये गलत बात है ना। ये क्या सर, मैं आपको थोड़ी ना डांट रही हूँ। आप तो संजय सिंघानिया है ना? अरे कौन सा सिंघानिया, मैं तो रामपाल ही बोल रहा हूँ। जैसे कि हम जानते ही नहीं। अरे वहाँ की घंटी यहाँ कैसे सुनाई दे रही है? हाँ, एक ही जगह पर है तो सुनाई देगी ना। ए, ए, इसी कॉलेज से फोन करके मुझे बना रही हो? कौन है तुम? मैं तुम्हें कॉलेज से डिसमिस कराऊंगा। कौन है तुम बताओ? मैंने तो सोचा नहीं था ये प्रोफेसर ऐसा आदमी है। आप मान गई ना कि सारे मर्द दीवाने होते हैं। सबको दीवाना कहने वाली तू एक ना एक दिन किसी की दीवानी बनी घूमेगी, यकीन मान ये दिन दूर नहीं। डियर स्टूडेंट्स, I hope you understood what you read about the brain and the nervous system. To make things more clear, now we will have the slide presentation. The brain is the major organ of the central nervous system and also the central center for all the involuntary activities. Cerebrum and the medulla oblongata. In adults, this complex organ weighs more. Approximately 1.4 kgs. It has more than 10,000 million nerve cells. अरे ये क्या? कोई reaction ही नहीं है। रुक रुक, मैं try करती हूँ। The body, like senses, emotions, etc. Now we will go to the next slide. The brain stem controls the vital functions like breathing. रुक रुक, उस पर ये रबर का मेंढक रखते हैं। देखते हैं क्या करता है। Children, reflexes are very important for other actions. What's happening? दिख नहीं रहा, थोड़ा हटो बोलने पर इसने मुझे धक्का दिया मैडम। गणेश स्टैंड अप। नहीं मैडम, इसी ने। तुम कॉलेज पढ़ने के लिए आते हो? अपनी दादागिरी गुंडागर्दी वगैरह कॉलेज के बाहर रखो, आइंदा मेरी क्लास में मत आना। मैडम इसने ही मेरे साथ वो। जस्ट गेट आउट, आई से गेट आउट, आउट। तुम बैठो। Now let's get back to the subject. The brain is also a sensory organ. Apart from that, in addition, sorry sir, फिर ऐसा नहीं करूंगी. Okay, you may go now. Sir, बैठिए. आपने गणेश के बारे में गलत समझा है. उसकी पढ़ाई खत्म होने तक आप ही कुछ की मदद करनी होगी। ओके सर। मोहन मैडम, गणेश से कहना कि मुझे घर पे फोन करे। ओके मैडम। ओके। हेलो मैडम, मैं गणेश बोल रहा हूँ। क्या महेश? मैडम मैं गणेश बोल रहा हूँ। मैं बैरी नहीं हूँ, धीरे से बोलो। वो आपने फोन करने के लिए कहलवाया था। ये लो, बैल मुझे मार। मैं क्यों तुम्हें फोन करने को बोलूंगी? हेलो, ये 2676158 है ना?
हाँ वही है। मैडम है घर में? एक मिनट मम्मी फोन। वेट करने के लिए कहो, अभी आती हूँ। हाँ माँ किचन में कुछ काम कर रही हैं, अभी आ जाएंगी। तब तक क्यों ना हम दोनों बात करें। तुम्हारी आवाज सुनने से लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो। मेरी माँ जब घर पे नहीं होती तो तुम मुझे फोन करोगी ना? घबराओ मत यार, मैं माँ से कुछ नहीं कहूंगी, ये आपस की बात है। मेरे आगे पीछे कितने लड़के घूमते हैं पता है? लेकिन पता नहीं कैसे तुमसे बात करते ही मैं तो तुम्हारी लैला बन गई हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। शादी करने के बाद सुहागरात मनाते हैं, या फिर सुहागरात मनाने के बाद शादी कर लेते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, मुझे कुछ भी हो चलेगा। प्लीज मैडम को फोन दीजिए ना। ए, बेकार में संत महाराज मत बनो। माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत सारे गहने बनवाए हैं, बस इशारा काफी है। वो उसकी भी जरूरत नहीं, मैंने पोटली बांध के रख ली है। क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। अपना काम फिर शुरू कर दिया। कौन है फोन पे बेचारा? तुम्हारा स्टूडेंट गणेश। ला मुझे दे। हेलो गणेश, अभी तुम मेरी बेटी से बात कर रहे थे। वो बीएससी साइकोलॉजी पढ़ रही है। लड़कों की साइकोलॉजी रिसर्च करने के बहाने इसी तरह कुछ न कुछ हरकत करने में मशरूफ रहती है। अगर उसने कुछ गलत कहा तो? आपने फोन करने के लिए कहलवाया था ना? तुम्हारी पूरी कहानी और आज जो हुआ वो प्रिंसिपल से मुझे पता चली। सॉरी गणेश, आज के बाद तुम्हें पढ़ने में जो भी मदद चाहिए मुझसे पूछना। थैंक यू मैडम। एकदम दीवाना है ये गणेश। जैसा कि तुम समझती हो उस तरह का वो कोई दीवाना या परवाना नहीं है। ही इज डिफरेंट। क्लास में उसे छेड़ने वाली एक लड़की को गुस्से में उसने चाटा मार दिया। तुम भी जरा सावधान रहना। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। हैरिसन की लिखी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन लाइब्रेरी में होगी, उसे जरूर पढ़ना। That will be very useful. अरे उसे देखना, मस्त है क्या मैं ना? लेकिन साली कभी घास नहीं डालती। उसे देखो। ए, बुला उसे। अरे गणेश, इधर आना। अरे आना। अरे डरो मत, आओ ना। हेलो मैडम, दो मिनट के लिए छोड़ दो, भेज देंगे। अबे ओए, आना, चल आजा। कैसा मासूम बन के आ रहा है देख। क्यों बे, मैडम तुझे पल भर के लिए भी नहीं छोड़ रही है? ए भवानी, आज स्पेशल ट्यूशन में क्या क्या सिखाने वाली है इस डिस्कशन के बीच तुमने बुलाया तो वो कैसे छोड़ेगी? ऐसा है क्या? अच्छा ये बता, पुरानी गाड़ी चलाकर लाइसेंस तो ले लिया, नई गाड़ी कब चला रहा है? नहीं समझा, पुरानी गाड़ी ये और नई गाड़ी इसकी बेटी। गणेश चलो यहाँ से। इसे देखो, ड्राइवर को रिपेयर कर रहा हूँ तो गाड़ी को तकलीफ हो रही है। चलो गणेश। ए भवानी, तुझ पे उसने हाथ उठाया और तुम चुप बैठे हो? बाकी स्टूडेंट्स को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ए भाई गणेश, रुक जाओ। लड़कियां देख रही थी। कॉलेज खत्म होते ही सारे लड़के भाग जाते हैं, एक तुम लोग बस यहीं घूमते रहते हो। नहीं मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ वार्डन जी। जब भी देखो पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, उस प्रोफेसर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे बाप को रिपोर्ट चली जाती और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ोगे? उससे बदला लेने के लिए मेरे पास दूसरी तरकीब है। कैसी तरकीब? उससे पता चले कि हमने किया है लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो। पता है कैसे? वो अपनी जिस लाडली बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करती है उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए मैंने अपने लड़कों को उसके कॉलेज भेज दिया। वार्डन, किसी तरह उस लड़की को बचाना होगा। उसका कॉलेज कहाँ है आपको पता है? वो तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है यार, वहाँ पहुँचने तक सब कुछ हो चुका होगा। हनुमान जी की तरह उड़ के भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये पकड़िए। अरे ये भवानी, लौंडी आ रही है। पकड़ो उसे और खत्म कर दो साली को। क्या कर रहे हो? एक लड़की को पकड़ नहीं सकते निकम्मा, पकड़ो साली को। जा जल्दी जा, अभी पकड़ता हूँ भवानी, फिर मत करो। एक लड़की
भवानी तुम्हारा फोन। ए भवानी दरवाजे के नीचे देख, जो बह रहा है वो कोसी का पानी नहीं पेट्रोल है। तुम लोग इस वक्त केमिकल लैब में हो, ये मत भूलना। एक तीली जलाकर डाल दिया ना तो तुम सब जलकर राख हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जाके दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये बड़ी बात नहीं, वो लड़की सही सलामत घर पहुंचनी चाहिए वरना तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। चला दूंगा। नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करना। तेरे कुत्तों को वापस भेज। उसे पकड़ ले भावे, उसे कुछ मत करना। क्यों? उसे छोड़ दे। क्या हुआ भवानी? हाँ, मेरी फटी हुई है। चलो हटो, जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी मैडम, जैसा तूने कहा वैसे ही किया। आइंदा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं बात नहीं करूंगा। गणेश तो आखिर गणेश है, वो गणेश जी अपने तोन समेत एक ही जगह पर बैठ के अपने भक्तों की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही इस गणेश ने यहीं से अपना कमाल दिखा दिया। तुम्हें जो मैंने देखा। ये बात है वार्डन, और कौन सी बात है? चाहो तो उसी के मुंह से बोलवाता हूँ, सुनोगे? सुनाओ, स्पीकर फोन पर सारी बात सुन लो। हेलो हेलो, मैडम जी की बेटी है ना? हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं एकेपी वार्डन बनवारी बोल रहा हूँ मैडम। बोलिए। आज कॉलेज में तुम पे हमला करने के लिए 10-15 गुंडे आए थे ना? जी हाँ। इस बीच उनके लीडर को फोन आया था? आया था। वो फोन पे बात करने के बाद सब लोग अपनी अपनी दुम दबाकर भाग गए थे ना? हाँ। लेकिन आपको कैसे मालूम? आप ही ने मुझे बचाया था। मैं बचाऊंगा? मैं जब अपने आप को नहीं बचा सकता था तुमको क्या बचाऊंगा मैडम? वो लोग मुझे मारने क्यों आए थे? वो इसलिए कि कल तुम्हारी माँ ने भवानी सिंह के गाल पे कस के चाटा मारा था, उसी का बदला लेने के लिए उसने वहाँ पे गुंडे भेजे थे। अपना गणेश है ना गणेश, उसी ने एक फोन करके उन गुंडों मवालियों को जुलाब दिया और उन्हें भगा के तुम्हें बचा लिया। गणेश ने? तुम उसे नहीं जानती? वो तुम्हारी माँ का स्टूडेंट है। हाँ जानती हूँ। तो क्यों अनजान बन रही हो? मैं उनसे बात कर सकती हूँ। हाँ बेशक बात कर सकती हो, किसने मना किया? एक मिनट, इसलिए आगे गणेश को दो, जाओ 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 जाओ। अब क्या बोलते हो? कमाल कर दिया, थोड़ा मालिश करो। गणेश, मैडम की बेटी तुमसे बात करना चाहती है। बारे नहीं ये भेजा है। हेलो गणेश, मुझे बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ मैडम जानती है? नहीं जानती। उन्हें मत बताइएगा, अगर वो ये बात जान गई तो मसला बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं बोलूंगी। मुझे आपसे मिलना है। किस लिए? थैंक्स बोलने। वो तो बोल दिया ना। देखो तो सही, सब कुछ करके मासूम बनके खा रहा है। ए, क्यों थोक दिया भवानी? नमक भी नहीं मिर्च भी नहीं, तो डाल देते हैं। ले अब खा ले। ए, ये तो खा रहा है। ये अचार भी डालो। ये ले। ए भवानी, इसे गुस्सा आ रहा है। ये बात है, चलो देखते हैं। ये तो सच है, आंखें लाल लाल हो गई है, लगता है अब इसे गुस्सा आ गया। हर हालत में हम तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, कातिल
के रूप में नहीं। अरे वाह, ये भी खा रहा है। लगता है अब हमें इसे अपने हाथ से दिखानी ही पड़ेगी। कर देते हैं, हमसे चालाकी करता है। लो भवानी, अब ये हमसे होशियारी नहीं करेगा। अरे ओए गणेश, टाका लगाने की नौबत आ गई तुम्हारी। उस अनजान लड़की को बचाने के लिए कल इतना सब कुछ किया तुमने, और अफसोस की बात है कि आज अपने आप को नहीं बचा पाए। मेरी बात सुनो मेरे भाई, तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो रातों रात ये शहर छोड़कर भाग जाओ। मैं बस इतना ही कहूंगा। तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। कोई दरवाजा खटखटा है, जाके देख। और कौन, वाड़े नहीं होगा। इतनी मार खा के भी ये आके खड़ा है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकालो अपना सामान, जल्दी। कहां गायब हो गए सर? देखो। अरे राम 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 राम, इस हॉस्टल का एक एक नजारा तो बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। कैंटीन में मार खा के तेरा जी नहीं भरा है साला, आज तुझे जिंदा काट देते हैं। ए, सब अपना अपना लेकर जाओ। दिखाई नहीं दे रहा है साला। साला आज तो नहीं बचेगा। ए, ढूंढो उस कुत्ते को, लगता है भाग गया कुत्ता। कल इसे भगाने वाले ये बदमाश लड़के आज इसे देखते ही पीछे हट रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं उसी दिन कह रही थी ना, सारे मर्द फ्लर्ट नहीं होते। खैर वो छोड़ो, गणेश ने ही मुझे बचाया। उससे मिलकर थैंक्स बोलना चाहती थी, उसने इनकार कर दिया। माँ भी उसके बारे में कह रही थी कि वो एक अलग किस्म का स्टूडेंट है। मैंने फोन पर उसके साथ शादी सुहागरात बोलकर बहुत खिंचाई की थी। हो सकता है उसकी वजह से उसने मुझे गलत समझ लिया हो। कैसे भी हो, उसे रूबरू मिलके एक सॉरी एक थैंक्स बोलना है। कहाँ पे जाके मिलोगी? उसके कॉलेज जाओगी? अरे नहीं, वहाँ तो मम्मी होंगी ना। फिर कहाँ जाके मिलोगी? हॉस्टल में। तेरे पीछे गुंडे भेजने वाला वहीं पर है और मुझे बचाने वाला गणेश भी वही है। हाँ ठीक है, पर मेंस हॉस्टल जाओगी कैसे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। रुको रुको, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें?
हम लोग अनाथ आश्रम के लिए पुराने कपड़े लेने के लिए आए हैं। ये क्या लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों की जमघट है? मैडम की बेटी भी साथ में है। उसके लिए यहाँ किससे मिलना होगा? वो देखिए, वो है वार्डन, उन्हीं से मिलना होगा। उन लोगों से नौकरानी बात कर रही है? क्या बात कर रही होगी? ये बताओ, ये वार्डन कैसे आदमी है? हमारे वार्डन बहुत ही अच्छे आदमी है, वो अंदर से भी सोना है और बाहर से भी। उनसे जाके मिलिए, वो कपड़े ही नहीं पैसे भी जमा करके देंगे। वहीं रुक जाओ। लड़कियों को लड़के के हॉस्टल में आना माना है। तुम मैडम के बेटी हो फिर भी ये बात नहीं जानती? भेजने में अकल नहीं है? बहुत मुश्किल से इन लड़कों को अपने कंट्रोल और डिसिप्लिन के जरिए तुम लड़कियों से दूर रख के अच्छी तरह पाल रहा हूँ मैं। इस तरह तुम लोग झुंड में चली आओगी और ये लड़के बेकाबू होकर कुछ ऊंची नीची हरकत कर देंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी इस हरकत से मुझे गुस्सा आ रहा है, बाहर निकलो यहाँ से। हेलो, पहले ये रेलवे का सिग्नल नीचे कीजिए। हम यहाँ किसी को लाइन मारने नहीं आए हैं, अनाथ आश्रम के लिए पुराने कपड़े कलेक्ट करने के लिए आए हैं। कपड़े वपड़े कुछ नहीं मिलेगा, बाहर निकलो यहाँ से। वो नौकरानी आपके बारे में बहुत बोल रही थी। उसने क्या कहा होगा मुझे मालूम है। क्या बोला होगा? हॉस्टल के गेहूँ चावल बाहर किराने की दुकान में बेचता हूँ, यही कहा है ना? नहीं नहीं, तो फिर क्या कहा होगा? इस हॉस्टल में एक स्टूडेंट को गुंडा कहकर सबसे पैसे वसूल करता हूँ, यही कहा है ना? नहीं। ये भी नहीं, तो फिर क्या कहा है? हमारे पास तो इतना ही आइटम है, दूसरा कोई नया आइटम भी नहीं है ना? तो फिर और क्या क्या है तुम ही कह दो ना। आपको बहुत अच्छा आदमी बोल रही थी। लेकिन तुम अच्छा आदमी कहा? हाँ। यानी अपना गड्ढा खुद मैंने खोदा और क्या? नहीं, ये बात अपने तक रखो, ये कह रहा हूँ। अब हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं? वो नहीं हो सकता, बाहर जाना पड़ेगा। होगा, जरूर होगा। कैसे होगा? मेरी इजाजत के बिना कैसे होगा? शराब से सब यहाँ से बाहर निकलो वरना शूट कर दूंगा। मैंने पहले से शूट कर लिया है। शूट कर लिया है? तुमने जो कुछ भी कहा विद वीडियो शूट किया है। अरे बदमाश लड़कियों, ये कैसी आदत पाल रखी है? ये इसकी पुरानी आदत है। इसका बाप पुलिस कमिश्नर है, रोज तुम जैसे क्रिमिनल्स को शूट करके उनके हवाले करती है और वो तुम जैसों की धुलाई करते हैं। धुलाई करता है? अब तुमने हमें अंदर नहीं छोड़ा तो कल की पहली धुलाई तुम्हारी होगी। आखिर क्यों, किस लिए? सोचा पढ़ने वाले बच्चे ना बिगड़े, शूट करने के बाद पढ़े तो क्या, मारे तो क्या? चलो मेरे साथ, सबके कपड़े उतारता हूँ। रास्ते पे गणेश को ढूंढ निकालेंगे ना, कपड़े लेने के टाइम पे नाम नोट करेंगे ना, सब जरूर पता चल जाएगा। देख लिया, बाहर वालों को अंदर आना मना है। ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, मेरे जैसे वार्डन को भी शामिल कर रखा है इसमें। फिर भी तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। अंदर देखा क्या चल रहा है? लड़कियों के भेस में सारे के सारे डांस कर रहे साले। ये बोर्ड इसीलिए लगा रखा है, पैसे देकर सीट लेने वाले निकम्मे जो ठहरे, ये लोग जिंदगी में कभी भी नहीं सुधर सकते। और दूसरे कमरे में चलते, आ जाओ। इसे खोल के देखता हूँ। अरे पूरा कमरा धुआं से भरा, गांजे की बुआ आ रही है। ए, तुम लोग कितने लोगों से गांजा मार रहे हो? हम सब के सब, सिर्फ गांजा ही नहीं, पेग मारेंगे, बियर मारेंगे, ब्रांडी मारेंगे, हाथ आया तो तुझे भी मारेंगे। मुझे भी मारोगे? हाँ बे लीजिए। अच्छा, इन लोगों को इस तरह से छोड़ा तो ये समझ लो तो 5 पैसे भी नहीं मिलेगा। पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, चलो मेरे साथ। इन नालायकों के बारे में तुम्हारे सामने बढ़ा चला कर बात कर रहा था, आज मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बोलो ना, जाओ, बोलो ना, जाओ ना। उस कमरे के सामने मैंने पुलिस की बात की थी, तो इस कमरे वाले को कैसे पता चल गया? हाँ, हर कमरा तो अलग अलग है ना। आहा, वायरलेस में खबर देके फिरते हैं। हेलो, अंदर क्या हुआ था? अंदर वाले कुछ डाउट पूछ रहे थे, मैं क्लियर करके चला आया। अगर डाउट क्लियर कर रहे थे तो साउंड क्यों आ रहा था? जब कोई डाउट क्लियर करता तो साउंड आता ही है। अब तुम्हें मुझ पर क्यों डाउट आ रहा है? तुम्हें कपड़े दिलाने के चक्कर में मेरे कपड़े उतर जाएंगे। ये कपड़ा का लपड़ा छोड़ो, भागो यहां से, चलो। हेलो, बाकी के कमरे? बाकी कमरे तुमका खींच के अभी, बाकी के कमरे किस किस कमरे में लड़के किस मूड में बैठा है ये कौन बता सकता है? अभी किसी भी कमरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। अपनी खड़ी चाहते तो मेरे साथ चलो। हेलो, ये मोबाइल फोन को डमरू की तरह बजा रही है रे। चलो आ जाओ, तकदीर आजमा लो, लेकिन एक लंगोट तक नहीं मिलेगी, जान लो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कपड़े चाहिए? वार्डन, वार्डन, वार्डन। क्या है बे? ये लोग कपड़ा लेने के लिए आए हैं ना? हाँ तो? पुराने कपड़े किस लिए? पहने हुए कपड़े देते हैं।
ए उतारो। ये अभी उतारते हैं। मेरी बात नहीं मानी ना, नहीं मानी ना। तुम लोगों की वजह से मैं भी वो मनहूस नजारा देखने पर मजबूर हो गया। बाल बाल बच गया। सॉरी सर, हम यहाँ कपड़े लेने नहीं आए थे। तो फिर क्यों आई हो? दरअसल हम गणेश से मिलने आए थे। गणेश से मिलने आई हो? ये पहले बताती तो कब का मिलवा दिया होता। ठीक है वो छोड़ो, कल जहाँ मैं कहूँगी वहाँ तुम गणेश को लेके आओगे। और अगर नहीं आया तो? हेलो, कल ये सब में सर्कुलेट हो जाएगा। हाथ में डमरू है तो बंदर को नाचना ही पड़ेगा ना। अरे ये क्या है, केले के छिलके? ये किसकी साजिश है? ये क्या गणेश, हाथ में बैग रखे इधर उधर देख रहे हो? गांव जाने का इरादा है? क्यों चारों तरफ हिला रहे हो? एक तरफ हिलाओ ना। खैर छोड़ो, तुम्हें पता है वो अपनी पार्वती मैडम की बेटी है ना, वो तुमसे मिलने के लिए सीधे हॉस्टल में चली आई। मैंने उसे समझाया कि इस तरह से लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों को आना अच्छी बात नहीं है, कहीं और मिलवा दूंगा कहकर भेज दिया। क्यों अभी चल रहे हो मिलने के लिए? ये झिझक कैसी? ठीक है हाँ, तो तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर चट्टी पहन के, अच्छी पैंट पहन के आता हूँ। तुम कहीं मत जाना, मैं बस गया और आया। चलो चलते हैं। ये गायब कहाँ हो गया? इतने में कहाँ चला गया? अरे ये तो दीवार फांद रहा है। ये स्टूडेंट है या मजनू मिया? नमस्ते भाई। ए, वो गणेश का बच्चा अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आया था? जब से मैं यहाँ आया तब से वो नहीं आया भाई। यहाँ के किसी भी वैद्यशाला में नहीं गया है वो, और ना ही किसी अस्पताल में गया है, तो अपने बाप की लाश के लिए कहाँ गया होगा? अरे गणेश सुन ले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ। गणेश तू कैसी है माँ? कहीं भी मेरी बेटी को सुकून नहीं मिलता। बाबूजी कहाँ है माँ? गणेश, ये क्या छोटे बच्चों की तरह बिलख रहे हो? तुम्हारे चाचा ने सारी बातें बताई। आप क्यों रो रहे हैं बाबूजी? और मैं कर भी क्या सकता हूं? साला वो आदमी था या कुत्ता? पहले लोग मारा करते थे, अब काटना शुरू कर दिए। बीच बीच में ट्रेंड बदलते रहते हैं। साले सत्यानाश हो इनका। वो भी नहीं आई, ये भी नहीं आया, क्या करें? अरे गणेश आ गया, आजा आजा आजा। सामान सब खरीद लिया आपने? नहीं यार, अभी जाके लेना है, आजा। क्या वार्डन जी, फोन में बोला था कि सब कुछ ले लिया है। तो अब क्या बिगड़ गया, पांच मिनट में खरीद लेंगे, चला जा। मुझे छोड़िए, मैं जा रहा हूँ, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, छोड़िए, बात सुनिए। सॉरी, चल अंदर चल। अरे नहीं वार्डन जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे पांच मिनट में क्या बिगड़ गया? नहीं मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना ही होगा। गणेश कहाँ है? गणेश कहाँ है? वो तो यहीं पे था, तुमने देखा नहीं क्या? ए! वो आके चला भी गया और तो नाचता रहा, लगता है डर का भूत उतर गया है। अब वीडियो को रिलीज करना ही पड़ेगा। अरे अरे मेरी माँ, मैं क्या करूँ बोलो, मैं डांस के मूड में था, इस बीच वो भाग गया। तुम्हारा नाम सुनते हुए घबरा जाता है, अब मैं क्या करूँ ये तो बताओ। अगर अगली बार मिस किया ना, बेटा तो गया। आहा, इसे तो पाने का जुनून है और उससे इसे मिलने का जुनून है, इन दोनों का मिलाप नहीं हो पा रहा है। आज किसी तरह इन दोनों का मिलन करवाना ही पड़ेगा, अन्यथा यह जीवन प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। मिलवाता हूँ। ए भाई गणेश, मैडम की बेटी तुमसे मिलना चाहती है यार। किस लिए? तुम्हें पता नहीं है? ऐसा तुम पूछते हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। एक हसीना एक जवान मर्द से क्यों मिलना चाहती है? तुमसे प्यार करती है इसलिए तुमसे मिलना चाहती है। अरे भाई एक बार तुम उससे मिलो तो सही, पसंद आई तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, चले आओ। उसके बाद मैं कुछ फैसला करने वाला हूँ।
मैं अभी उसका नंबर मिला के देता हूँ, कहाँ मिलना ये तुम उसी से पूछ लो। अरे नहीं, मेरा तो पेशा ही बदल गया है। रिंग जा रहा, रिंग जा रहा, बात करो बात करो। हाँ हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ। गणेश, अरे वाह, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने खुद मुझे फोन किया। बात सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तो अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, मेरी सहेली की शादी में आई हूँ। प्लीज प्लीज, हम लोग कल मिल सकते हैं ना? मैं खुद आके आपसे हॉस्टल में मिलूंगी। नहीं, यहाँ पे भवानी और उसके गुंडे होंगे। कल सुबह मैं 7 बजे की बस में आ रही हूँ। बस स्टैंड पे आके मैं ही मिलूंगा। ए भाई, तुमने उसे देखा नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके ओके ओके। मैंने उसी दिन कहा था ना, तू किसी न किसी की दीवानी बन के घूमेगी। मुझे लगता है वो यही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे मिलने का मकसद सिर्फ एक सॉरी और थैंक्स बोलना, बस इतना ही। मैंने इससे झूठ बोला कि वो इससे प्यार करती है, और इसने उसे सच मान लिया। अगर सच्चाई खुल गई तो मेरी ऊपर की आमदनी बंद। क्या कर ऑटो, क्या भाई साहब, जरा फोन देना। फोन ये लीजिए। हेलो। ए भाई गणेश, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, उससे पहले बाइक और मेरा फोन लेके चले गए। नहीं वार्डन जी, आप सो रहे थे इसलिए। तुमने उस लड़की को नहीं देखा है और उसने तुमको नहीं देखा है, ऐसे में तुम कैसे उसे पहचानोगे, मिलोगे और बात करोगे? वो सब मैं देख लूंगा वार्डन। उससे प्यार का इजहार करने जा रहे हो ना? नहीं वार्डन, उस लड़की की वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए उससे मिलके ये सब बंद करने के लिए बोलने जा रहा हूँ। लेकिन वो तुमसे प्यार। अरे नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। ए आज तक गणेश से मेरी मुलाकात नाकाम होती रही, अभी मिलने वाली हूँ तो पता नहीं क्यों बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ, आप आ गए? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं बस स्टैंड में उतरने के बाद यहीं पर चल रही हूँ। किस कलर का ड्रेस पहनी है? किस लिए? ताकि मैं आपको पहचान सकूँ, बोलिए। ओके, येलो कलर चूड़ीदार। ओके, मिलता हूँ। अरे मंगल वाली बस आ गई। कैसे हो? अरे भैया, आओ ठीक है। ये बताओ आखिर तुमने हम सबको बस अड्डे पर क्यों बुलाया, कैसे आना हुआ? अबे देना, राजा भैया के जमानत के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, गंगू भैया नहीं आए क्या? वो एक जरूरी काम से गए हैं, अगली बस से आ जाएंगे। गणेश, ऐसे क्या चौंक गए? अपने गाँव वाले को देख के चौंक गए लगता है। मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही तुम्हारे घर के पीछे के लखन का बेटा बंसी। ये बता, सुना है कि तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो, गांव में पढ़ रहे हो कि यहाँ पढ़ रहे हो? माँ बाप से मिलते हो ना? क्या वो आने वाले हैं इसलिए यहाँ इंतजार कर रहे हो? जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं। ये भला ऐसे क्यों बोल रहा है? ए बस कितने बजे निकलने वाली है? अरे मेरी कमीज। अरे क्यों बीच में दौड़ता है? ए मंगल, अरे पंसी, कैसा है तू? अच्छा, तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं? तुम मुझसे मिले 5-6 साल हो गए, अब मिले तो बीवी बच्चे के बारे में पूछ रहे हो, वो भी प्यार से। 2 मिनट पहले अपने गांव के एक और आदमी से मिला, वो मुझे पहचानने के बाद भी अनजान बनकर चला गया। दिल में बहुत तकलीफ हो रही है। तुझे पहचान कर भी अनजान बनने वाला वो गांव वाला कौन है? अरे भाई अपना गणेश। कौन सा गणेश? अपने मास्टर जी का बेटा गणेश। तूने गणेश को देखा? कब देखा और कहाँ देखा? 2 मिनट पहले बस स्टैंड में देखा था। हम जिस गणेश को ढूंढ रहे हैं वो यहीं पर है, उसे ढूंढ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, निकालो हथियार। तुम लोग कहाँ जाके देखो और तुम लोग कहाँ जाओ, ढूंढो सब जगह ढूंढो। गणेश, अरे गणेश नहीं, वहां से ले। साली पच गई, उसे मैं देख लेता हूँ, तुम लोग वहां जाके देखो, जाओ। अरे
हेलो आई एम वेटिंग सच बोलिए आप किस रंग का ड्रेस पहनी है मैं येलो कलर चूड़ीदार ही पहनी हूँ आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं बात यह है आज बहुत सी लड़कियां येलो ड्रेस पहनी है इसलिए पूछा कलर का मामला तो गड़बड़ है खैर वो छोड़िए आपके आसपास कोई लैंडमार्क हो तो बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 4 उस पोस्ट के नीचे किसी फिल्म का पोस्टर भी लगा है मैं उसी के पास खड़ी हूँ हाँ मैंने आपको देख लिया है आपके पीछे ही खड़ा हूँ क्या हुआ क्या बात है रीमा आप फौरन यहां से चली जाइए जाइए मैं कायर नहीं हूं क्षत्रिय हूं बस स्टैंड में ही है मैंने कहा था ना उस लड़की के साथ ही ही तेरे टुकड़े टुकड़े करने के जुनून में ही मैं आया था लेकिन अब तेरी जान मेरे समान है जिस लड़के की वजह से तू हमारा दुश्मन बन गया है उसी से प्यार करता है तो आज से ठीक तीन दिन में उसे खत्म कर दूंगा और तुझे भी मेरी तरह तड़पा के रुला रुला के मार दूंगा याद रखना नहीं तो मैं इस मिट्टी के पैदाइश नहीं हो
मैं भी जिगर वाला हूँ बे। तुम इंसान हो या जल्लाद? कितनों को अस्पताल पहुंचा दिया है तुमने। और मैंने तो तुमसे झूठ बोला था कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है। वो लड़की तुम्हें देखते ही तुम्हारे सीने से लग गई। पहले से तुम उसे जानते हो। ये बताओ तुम कौन हो, वो लोग कौन हैं? आखिर यहां हो क्या रहा है? लड़की से मिलता नहीं, मिल तो बोलता नहीं, कुछ बोलो तो यही
होश ले गई प्यारी, नाच ले आके प्यारी प्यारी, नाच ले आके प्यारी प्यारी, फिर कोई गम न रहे, कर ले दिल भी कहे। गणेश बाबू किसी छोरी के साथ म्युनिसिपल बस अड्डे, गणेश जी के मंदिर, ऐसी सभी जगह घूम रहे थे। मैंने भी बाजार जाते वक्त देखा था उनको। मैंने सोचा आपको भी बता के जाऊं, तो मैं चलूं। ठीक 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 ठीक, ये भी कोई घर है? चारों तरफ धुआं ही धुआं, जैसे कोई ईंट का भट्टा चल रहा है। ये भी ना। यहाँ कोई फिल्म दिखा रहा हूँ, मुझे ही देखते रहते हो? जाके आपका काम करो ना। ये तो रखा था। माँ, यहाँ जो मैंने शर्ट रखी थी वो कहाँ है? इस्त्री कर रही हूँ। इस्त्री कर रही हो क्या माँ? ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये इस्त्री करने के कपड़े नहीं है, आइंदा इसे कभी पहन नहीं पाऊंगा। वेस्ट कर दिया तुमने। ये लो पकड़ो, मैं यही पहनता हूँ। बेटा हमेशा ही शर्ट पहनता है, मेरी बात तो सुन, कभी नहीं सुनता। यहाँ क्यों बैठे हैं? नाश्ता करने। अरे वाह, जैसे हम नहीं जानते। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है माँ? क्यों इस तरह चिल्लाता है? क्यों नहीं चिल्लाऊं? ये कोई इडली है, किसी पर फेंको तो वो मर जाएगा। देखो पत्थर जैसी है। नहीं बेटा, मुलायम ही है। सुनिए आप कहिए ना। हाँ बेटे। ए जोरू के गुलाम, तुम्हारा नसीब खोटा है। तुम्हारी जोरू है इसलिए इनके हर बात पर हामी भर के जो मिलता है वो खाना पड़ता है। मैंने आखिर पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम दोनों के औलाद बन के पैदा हुआ? अब तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हंसे क्यों नहीं, कल से आज तक गलती पे गलती करते जा रहे हो ताकि हमारी डांट खा सको। तुम्हारी नौटंकी देख के हमें हंसी आ गई। आपको पता चल गया? जब से तू पैदा हुआ तब से तुझे नहीं डांटा, तो तेरे जन्मदिन पे भला कैसे डांटेंगे? क्यों बेटे, एक एक बच्चे अपने जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पे घड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोटरबाइक चाहिए कहते हैं, और तुम हो के जो नहीं मिलता है उसी की तो ख्वाहिश करूंगा ना। भाभे, भाभे। हाँ, आ गया आ गया, अनाज का दुश्मन आ गया। पता है भाभे, आपकी चटनी के खुशबू ने गले के कोने से मुझे यहाँ तक खींच लाया। इडली है ना, डालिए डालिए। तो जा दे दो दे दो। हाँ हाँ, मजा आ गया। उसका जो है क्यों नहीं खींचेगी? क्यों माँ, ये आदमी कभी खाना देखा ही नहीं है। भाभी पुदीना की चटनी नहीं है? सांभर दो। दीजिए माँ, ये भी दे दो। वो भी दीजिए। मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? लीजिए। बहरे हो क्या? तुम्हें किस गधे ने इंस्पेक्टर की नौकरी दी? भाई और भाभी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गली, इसलिए मुर्सी दाल खाने का प्लान बना रहे हो। देखो गणेश, वो तुम्हें भूले भटके डांट सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। आपने भी ये तमन्ना पूरी नहीं की। भाभी आपने इसे बता दिया ना? बाप रे, मैंने नहीं बताया, तुम ही चाहो तो बता दो। मैं भैया, कम से कम आप बोल सकते थे। मैं बाद में इसके मुंह से मैं सुनूं? बात क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था ना आज मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। हालात ही कुछ ऐसा। कुछ समझा नहीं मैं। मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, फिर से यहाँ आने के लिए काफी टाइम लगेगा, यही बात थी। आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए, बाद में निपटता हूँ। भाभी लगेज का लगेज वो तो तैयार है देवर जी। लगेज? इसका मतलब सब प्री प्लान है? माँ मत दो, माँ जाने मत दो, नहीं छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। कहाँ भाग रहे हो? भाभी अब जाओ, अपना ख्याल रखना। फंसोगे ना, डाटा करने वाला ख्याल रखना। रख दूंगा, देखो ना।
मैंने देखा वो घर के अंदर ही है। सुवर के बच्चे, भिकारी की औलाद, चल आना। अबे ओए, उधार की पैदाइश, उधार लेना जानता है, लौटाना नहीं जानता, लौटाना नहीं जानता। मेरे आदमी को कुछ मत करना। क्यों बे, उधार के पैसे लेने के लिए आए तो अपनी बीवी के लहंगे में छुप जाता है? सोचा ये शिवानी तुझे पकड़ नहीं सकती? अब देखा तो साला कैसा फंस गया मेरे हाथों में। अबे अभी आधे घंटे में असल और सूद की रकम नहीं चुकाई तो तेरे हाथ पैर अलग अलग करके तेरी बीवी के हाथों में थमा दूंगी। सुनो बहन, तुमसे कर्जा लेने वाला शहर छोड़कर भाग गया, गारंटी देने के पाप के बदले में असल से भी ज्यादा ब्याज भर चुका। थोड़ा शराफत से बात करो बहन। शराफत चाहिए तुझे कमीने? शराफत देती हूँ, ले ले। तुझों को यही शराफत देती है ये शिवानी। क्यों बे घन चकर, मेरे भाई लोग यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ, चकमा देगा सोच रहा है? मैं औरत के लिए औरत हूँ, मर्दों के लिए मर्द हूँ बे। ए, तुम बहुत बोल रही हो। कौन है ये नमूना? मेरी बहन की बेटी है, शहर से आई है। मेहमान बन के आई हो तो मुफ्त की रोटियां तोड़ के आसपास का नजारा देख के चुपचाप खड़े रहना चाहिए, वरना हुलिया बिगाड़ के रख दूंगी। ए, अभी आधे घंटे में पूरी रकम मेरे हाथ में आनी चाहिए, समझी? सुनो बहन, आधे घंटे में हम लोग 3 लाख रुपए कैसे दे पाएंगे? एक हफ्ते का टाइम दे दो, अपना सर गिरवी रख के भी तुम्हारा कर्जा। और लीखों से भरे इस सर को गिरवी रखोगी? ची 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 ची। बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, किसी भी तरह ये कर्ज उतार दे। क्या एक हफ्ते की रट लगा रही है? ठीक है, अब पैसे लौटाने की तरकीब मैं बताती हूँ, तू सुन ले। एक बच्ची की माँ है, फिर भी कुछ भी ढीला हुए बिना तू आज भी कड़क माल है कुंवारी की तरह। ए, जब भी तू घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमती रहती है तो यहाँ आसपास के लुच्चे लफंगे तुझे देखकर लार तो टपकते ही होंगे ना। ऐसे निकम्मे के साथ बिस्तर बांटने के बजाय आने जाने वालों के साथ बिस्तर बांटेगी तो जल्दी से मेरा उधार चुका सकेगी। सोच क्या रही है, झट से फैसला कर। ए, पुलिस में कंप्लेन देकर नाजायज ब्याज लेने के केस में तुझे अंदर करवा दूंगी। क्यूरी, लॉ पढ़ने वाली मेरे को तू पुलिस की धमकी दे रही है? अपनी मासी के बदले तू धंधे में लग जा कुतिया। ए, देखा देखा मंगल, उसे काट के कुत्तों को खिला दी थी। क्यूरी, 6 फुट वाले मर्द मेरी नजरों से नजरें मिलाते हुए डरते हैं और मेरे सामने दुम दबा के भागते हैं, और तू 2 कौड़ी की लौंडिया, तेरी ये हिम्मत की मेरे गाल पे चाटा मारे। ए, मुझे छूने की हिम्मत करने वाली तेरे बदन को पूरी दुनिया के सामने मैं नंगा करने वाली हूँ। अरे 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 देखा मंगल, अपनी धोती का दान करने वाला दानवीर करण। अबे आए, इस शिवानी के रूप में कोई भी आए तो उसका यही अंजाम होगा, सबको पता चले। गणेश, Yeah.
औरत है, औरत है, बोल। तू बातों से नहीं मानेगी, लातों से ही मानेगी। औरत का जन्म लेकर भी खुद को औरत ना मानकर मर्दों की तरह जीने वाली तुझे ऐसा लग रहा है? तो उस बिचारी पर क्या बीती होगी? बात सुन, उसे लौटा दे। कम से कम अब तो औरत बनने की कोशिश कर। मेरी बात, चल भाग, चल यहाँ से। क्या है ये सब? चल, आजा। देखो ये भी कोई लड़की है। तुम्हारा जन्मदिन है। बूटी के तेरी ये मजाल के हाथ रख के अनजान बनकर चलता जाएगा। जिस पल से तूने मुझे छू लिया उसी पल से तू ही है मेरा मर्द। इस शुक्रवार को मेरी चुनरी पर हाथ लगाया, अगले शुक्रवार को मेरे बदन पर हाथ लगवाऊंगी, मेरा आदमी बना। कौन है ये दोनों? तेरे माँ बाप हैं? तो ससुर और सासू माँ? आशीर्वाद देना ससुर। ये सब अनजाने में हो गया बेटी। माँ, क्यों इसके मुंह लगती हो? ए घोंचू, तू शराफत की भाषा नहीं जानता, जबान चलाता है। शादी तो होने दो, मैं सब सिखा दूंगी। ससुर जी, सासू माँ, अब मैं अच्छे मूड में हूँ, अपने बेटे को लेके खेल सक लो। या फिर ऐसे ही घूरता रहेगा तो अतड़िया बाहर निकाल दूंगी। तुझे मार के मैं सफेद लिबास पहनूंगी। 10 गिनने से पहले दफा हो जाओ। अरे मांगल दीदी, गिनना। 1, 2, 3 गणेश, चल यहाँ से, चल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा पहले तुम चलो यहाँ से। साला वो चला गई दीदी। साला नहीं बे, बहनोई। बहनोई जी का फुल बायोडेटा मुझे शाम तक मिल जाएगा दीदी। गंगू भैया फंस गया। दीदी ने आपको खबर करने से मना किया। संभाल, क्या कहेगा? ओए बेचारा कहेगा कैसे खड़े रहे? निकल में कहेंगे साले सुअर की औलाद। ए गंगू आ गया तू, तेरी बहना पे भूत सवार हो गया है, वहां बैठी है जाके देख। ए छोटे, तेरा भाई अभी तक नहीं मरा। दोना मुझे फोन क्यों नहीं किया? किसी तीसरे से मुझे पता चला, कहाँ उसका घर? बड़ा चौराहा, चौथी गली। उड़ते फिरने वाली मेरी बहन को इस तरह उदास करने वाले उस कमीने के टुकड़े टुकड़े करके फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम गंगू काली नहीं। चल मेरे साथ। ठीक है भैया। ए अक्कल के अंधे, रुकना। तू सीधा जाके उसे काट डालेगा, वो भी मरेगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? तू ऐसा ही कोई घोटाला कर डालेगा ये जानकर ही मैंने तुम दोनों को खबर नहीं की। अपने परदादा के जमाने से ही यहाँ हम जो कहते हैं वो कानून है, जो करते हैं वो इंसाफ। उस वंश में जन्मी शिवानी की किसी ने चुनरी उतार दी, पूरा शहर यही चर्चा कर रहा है। मुझ पर हाथ लगाने वाले से अगर मैंने शादी की तो पूरे गांव वाले कहेंगे हाथ रखने वाले को ही हथेली में कर लिया शिवानी ने। ए गंगू भैया, ऐसे क्या घूर रहा है? वो कोई ऐसा वैसा घोंचू नहीं है, लोहे का जिगर वाला है वो। अब क्या करने वाली है तू? अरे उससे शादी करने वाली हूँ। अगले शुक्रवार को मेरी शादी है, इतवार को तेरे घर में दावत खाने आ जाऊंगी। भाभी को बोलो कि 2 तगड़े देसी मुर्गे को पकड़ के रखो। अब दफा हो जाओ। भैया क्या बात है छोटी, सुनो तो सही। हाँ, बोल। अपनी इकलौती बहन की शादी जी भर के देखने को तेरा भी मन करता ही होगा। तू यहाँ रहेगा तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए तुझे जाने के लिए कह रही हूँ। पगली कहेगी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। दावत के राजा ना। थैंक्स भैया, वहाँ पहुँच के फोन करना। जोड़ी, ए मंगल। हाँ दीदी। जिस घर में मैं राज करने जा रही हूँ उसे एक बार देख के आते हैं, चल मेरे साथ। यही है दीदी, यही है तुम्हारा ससुराल। अरे ये क्या, शादी के घर में जो रौनक चाहिए उसके बिना शमशान हो पड़ा है? इन लोगों ने आखिर समझ क्या रखा है? जा जाके मेरी सासू ससुर या मेरा मर्द हो तो उन्हें बुला के लाना, चल जा। अरे बुला लाना।
क्या रे मंगल, उस दिन की मार भूला नहीं? मैं खुद चली जाती, शादी होके दाया पाव रखे जिस घर में जाना है वहां पहले नहीं जाना चाहिए। फटाफट जाके उन्हें जल्दी बुला के ला। अब तू नहीं गया तो तेरी दूसरी टांग को भी मैं काट डालूंगी, जाना। अरे कहां ना जा। वाह वाह क्या चाल है दीदी। अरे जाना। दीदी मार दिया दीदी। अबे अबे ओए, इतनी छिपी चढ़ गई तेरे सर पे, तुझे तो मैं मार खा के मर जाएगी तू। इस मर्दांगी की वजह से ही पचासों को मार गिराने वाली शिवानी तुझ पर फिदा हो गई है। आओ ससुर जी सासुमा, एक बार मिलने चली आई तो देखा तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है। क्यों दूल्हे राजा, दो दिन में शादी रखी है तो तुम लोग बिना तैयारी के क्यों रहते हो? मैं अनहोनी के बारे में कभी नहीं सोचता। शादी किए बिना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ए जाना। ए जा रही। ए जा रही। अरे बोल के बिना शादी के तूने मुझे जोरू बना लिया मेरे राजा। चल बट। मर्द की बात माननी चाहिए, मानती हूँ। याद रखना कल गुरुवार है, परसों शुक्रवार, भूलना नहीं, अच्छा मुहूर्त वाला दिन है। गणेश ये झमेला क्या, चल तो। अंदर चलना। सुनिए आप भी चलिए। क्यों इस तरह मुंह फेर के अंदर जा रहे हो? ये घमंडी लड़की घर कैसे चलाएगी सोच रहे हो ना? मैं भी झाड़ू पोछा साफ सफाई सब करूंगी, बहू बन के तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाऊंगी। ए चलना मंगल। दुख रहा है दीदी। रास्ते में पान परा खरीद के दूंगी, चल। बहुत दुख रहा है दीदी। ठीक है क्वार्टर खरीद के दूंगी, चलना। क्वार्टर खरीद के दूंगी। दारू का नाम सुनते ही कुत्ता बन जाता है साला। गणेश सर एक मिनट, जो हुआ उसके बारे में सुना? उस शिवानी के दोनों बड़े भाई 2 साल पहले किसी मर्डर केस में फंस गए थे, यहाँ से मजबूरन फरार होना पड़ा और वो कहीं बाहर जाके सेटल हो गए। यहाँ पर ब्यास का धंधा वगैरह वो लड़की कर रही है। शिवानी के मामले में चौकन्ना रहना, एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज कोई भी मदद चाहिए मुझसे मिलना। ओके जी, थैंक यू सर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जी सर, टेक केयर। ठीक है, बाय। चलो बहनोई जी। ओ बहनोई जी, अबे रुक जा साले। बहनोई जी मैं हूँ मंगल। ए, क्या है? गली तो मार खाया था तू? उसके लिए क्वार्टर तो मिला। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया पर तुमने सुना ही नहीं, इसीलिए साला बोला। दीदी से मत कहना, जबान काट डालेगी, वो तो तुम पर मार मिट्टी है बहन। मैं सवेरे आ गया तब स्कूल नहीं खुला, इसीलिए बाहर घूम के ठंडा उंडा पी के अभी आया हूँ। ये पढ़ाई विढ़ाई किस लिए? बस तुम्हें एक बार हाँ कह दो, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को टपका के उसकी जगह पर तुम्हें बिठा दूंगा। ए, चल जा। दीदी ने तुम्हें ये दिखाने को कहा, देखो तुम्हारी तना तन। अरे ये क्या, निमंत्रण पत्र दिखाने जो गया वो क्यों नहीं आया सोचा तो? यहाँ जंगल का शेर लोमड़ी को अपनी ताकत दिखा रहा है, तू अपनी पूरी ताकत मुझे दिखाना सुहाग रात को। क्यों मेरे राजा, एक बात बताओ, किसी भी लड़की से शादी करो तो वो तुम्हें बच्चे ही तो पैदा करके देगी। वो मुझसे कर मैं पैदा करके दूंगी ना, कहो तो एक दर्जन बच्चे। जो लड़की कहलाने लायक ही नहीं है उनके पीछे लड़के मारे मारे फिरते हैं, लेकिन देसी दारू से भी ज्यादा किक दिलाने की दम रखने वाली मेरी तुझे जरा भी कदर क्यों नहीं है? बोल ना बलमा, तेरी शादी मेरे साथ कल होकर ही रहेगी, आकर मेरी मांग भरोगे? नहीं तो भरवाऊंगी। औरत प्यार जताएगी तो उसे मर्द दब जाता है, ऐसा ना करके मर्दों को दबाने की कोशिश करेगी तो कोई नजदीक नहीं फटकेगा। लड़की सर झुका के मांग भरवाती है लेकिन अपने सुहाग का सर ऊंचा करवाती है। तुझ जैसी जिद्दी घमंडी के लिए शादी की क्या जरूरत है? औरत में ममता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। पहले औरत बन उसके बाद मर्द ढूंढ। शिवालय वन वैय गरामि सुमित एव वति शुभक ऐनि रुमि चैव आत्मनस्य वरदा जरवहलन्ति शिवालय वन
गुरूर का दरिया मगर के मौजे हुस्न गुरूर का नाम है हुस्न के मंजर आंखों के खंजर जान ले जाने मन तेरे नाम है होठों के प्याले दे राजा हाथों के हवाले दे गालों के हाले दे राजा आंखों के उजाले दे आंखों देना नशीली रातें हकीकत बना दे भावों की बातें मचल दिलासा मन मेरा डोले बालम सुन जो अखियां बोले गुरूर का दरिया मगर के माझे हसन गुरूर का गुलाम है हसन के मंजर आंखों के कंजर जान ले जाने मन तेरे नाम है के बदले घर बेच के वो शहर छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। अच्छा अब उसका क्या काम है? अरे उसी की वजह से तो मुझे दूल्हा मिल गया, सोचा शादी के बाद उससे भी दावत खिला दूंगी। दावत उसके नसीब में नहीं है दीदी। अरे ये क्या, लगता है बारिश गिरने वाली है।
ये बारिश नहीं है दीदी, तुम्हारी शादी में आसमान से देवी देवता फूल वर्षा का आशीर्वाद देने वाले हैं दीदी। ए, टाइम क्या हुआ? 10:10। अभी तक तो क्यों नहीं आया? मन करता है किसी ना किसी का खून कर डालूं। मुहूर्त के निकलने में अब सिर्फ 20 मिनट ही बाकी है। फोन करके उसे लाइन पे बुलाना। ठीक है दीदी। ससुर जी, 9 और 10:30 के बीच के मुहूर्त के लिए सास और ससुर अच्छे बच्चों की तरह 7 बजे ही आ गए। जो मंगलसूत्र पहनाने वाला है उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? हाँ? एक बहू की अपने ससुर जी से पूछने वाली बात नहीं है ये, फिर भी मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। गलत मत समझना हाँ, अगर तुम अपने बेटे की उम्र के होते तब मुझ जैसी चिकनी आइटम को देखोगे तो तुम्हारा उस पर दिल आएगा या नहीं, बोलो। हेलो दीदी, बहनों जी लाइन में आ गए। दे इधर। ओए बलमा। ए, अकल नहीं है तुझे? अरे तुझे ही अकल नहीं है गोंचो। शादी करके फर्स्ट नाइट में मेरी बॉडी की रिसर्च करने के बजाय वहाँ मरे हुए की बॉडी को रिसर्च कर रहा है। ए गंजकर, फॉरेन आकर मंगलसूत्र पहनाओगे तो तेरा घर शादी का घर होगा, वरना मातम वाला घर होगा। क्या बकरी है? तेरे माँ और बाप मुर्दे बन जाएंगे बोल रही हूँ। उसके बाद तुम तीनों की बॉडियों पर मैं रिसर्च करूंगी। उन दोनों की जान इस वक्त स्कॉर्पियो के अंदर है, उन्हें ऊपर मत भेजना। मैं तुझे 10 मिनट में यहाँ पर आ जा, आके मंगलसूत्र पहना, उसके बाद तू मुझे जो चाहिए जैसा चाहिए कर, कोई बात नहीं। आ गया मेरा बम्पर शेर। कैसे नहीं आएगा? बहनोई जी आ गए, बहनोई जी। मंगलसूत्र पहना मेरे राजा, पहना। मुहूर्त टलने में अब 10 मिनट ही बाकी है, जल्दी से पहना। पहले तू औरत बन, उसके बाद इसका सपना देख। ए, बड़े बड़ों को मैंने ठीक किया है। अबे आए, इसके हाथ पैर तोड़ के मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने को लगाओ। Thank you.
चले बाबूजी। गणेश बेटा रुक जाओ, मंगलसूत्र पहनाओ मेरे गले में, मंगलसूत्र पहनाओ। ससुमा इसे कहो मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओ, मंगलसूत्र पहना। जाके किसी और को दिखा, मुझे मत दिखा। तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, पहले औरत बन उसके बाद इन सब की चाहत रख। पहना, अरे पहना मंगलसूत्र पहना। अरे मैं देखने में औरत हूँ, काम से आदमी हूँ। तब तो तुझे मारने में कोई गलती नहीं। चलो माँ। तू मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। बहुत प्यास लगी है, पानी दो भैया, पानी। बड़े भैया के आने तक मैं नहीं मरने वाली, पानी दो। बड़े भैया को बुलाओ। hey, फोन करना मंगल। हटो 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 हटो। काका काका काकी, काका को क्या हो गया? माँ जा के आए, सीने में दर्द हो रहा है, कहे लगता है सभी को छोड़ देंगे। काका ने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। काका हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग रोइए नहीं, रोइए नहीं। भैया डॉक्टर को फोन किया ना? फोन करके आधा घंटा हो गया भाई, लेकिन अभी तक नहीं आया। फिर से लगा के दो। डॉक्टर मजूमदार ही है। अगर ये दोबारा बोलना चाहते हो तो अगले 5 मिनट में यहाँ दिखाई दो। सीने में ज्यादा कफ जम गया है, इसीलिए इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जी अच्छा, तो मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप इन्हें बेहद चाहते हैं इसीलिए तो ऐसा कहा, मुझे इजाजत दीजिए। अरे काका को होश आ गया, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, तभी तो हवा आएगी। मैंने कहा था ना काके, काका को कुछ नहीं होगा। काका काका, मैं कौन हूँ पहचान रहे हैं ना? क्या चाहिए काका? समझ गया समझ गया, मैं ठीक कर देता हूँ। भैया जरा हाथ बताओ, आराम से आराम से। काका अब ठीक है ना? काका मैं जो कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना?
अब कहीं जाके मेरे मन को सुकून मिला है। पता है क्यों? बड़ा फ्रीडम फाइटर है तू। मैं चुपचाप अपना ब्याज का धंधा चलाता आ रहा हूँ और तू है कि पुलिस वालों को गुमनाम खत लिख के मेरी शिकायत कर रहा है। आखिर मेरी शिकायत कौन कर रहा है पता लगाने पर इंस्पेक्टर ने बताया कि तेरी करतूत है। और जब तुझे टपकाने के लिए मैं यहाँ चलकर आया तो तू अपने आप ही मरकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुझे बचा के मार डाला। क्यों काके, सही किया ना? बोल, सही किया ना? राजा भैया, भैया क्यों रे? इस बुड्ढे की मौत पर तू क्यों माता मना रहा है? हैं? शिवानी बहन को। शिवानी को? बहन को। भैया, वो लड़का घर पे नहीं है, लगता है बाहर गया है। बता तेरा बेटा कहाँ है? बेटा, आज मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, उसकी एक ही वजह है मेरी बहन। क्योंकि जब वो यहाँ बहू बनकर आएगी तो तुम्हें उसकी आरती उतारनी है, और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। मेरे छोटे भाई ने जब बहन की हालत बताई तो मेरा मन कितना तड़पा, कितना रोया। ठीक उसी तरह तुम्हारा बेटा भी तड़पेगा, रोएगा, इसीलिए छोड़ रहा हूं। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मेरी बात सुनो भाई, जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे अनाथ बनाकर बीच सड़क पे लाके खड़ा करो, सिवाय मेरे और कोई भी उसकी बीवी की जगह ना ले। कोई भी लड़की उसकी बीवी ना बने भैया। शिवानी, आंखें खोलो। शिवानी, सुन छोटे, तू इसके क्रियाक्रम का इंतजाम कर, मैं उस कुत्ते को मार के आता हूँ। भैया भैया, आपको अरेस्ट करने पुलिस आई है। मंगल, तू इसे लेके जा। इसे लेके जा। भैया जा। भैया जाऊंगा। तू बाहर रहेगा तो ही मुझे जमानत पे छोड़ा पाएगा। भैया, मेरी बात समझ और निकल। भैया जाओ। हटाओ हटाओ। आजा समझी, आजा, मेरी गिरफ्तारी की बारात लाया है। अच्छा, तेरा तो तबादला हो गया था ना, लौट के कब आया? फटकड़ी बना के ले जाओ या तो खुद चलेगा। मुझे अंदर करने की जल्दी हो रही है ताकि तेरा भतीजा महफूज रहे, इसीलिए ना। ज्यादा जुबान मत चला, खड़गांव के फ्रीडम फाइटर ओम प्रकाश जी का कत्ल करके आया है तू। लोग उत्तेजित होकर सीएम को पिटीशन दी है और मैं तेरी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूँ। अब तू बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐ सुन, भले ही मैं जेल में रहूं पर तेरा भतीजा डॉक्टर नहीं बनेगा, मुर्दा ही बनेगा। ये क्या धमकी दे रहा है? छोटे सुन, हमारे माँ बाप की समाधि के बाहर से शिवानी का दाह संस्कार करना, याद रखना उसकी चिता की आग बना रहा है तो
भैया सर्टिफिकेट रहेगा तभी तो पढ़ पाएगा ना। सर्टिफिकेट निकाल, अबे निकाल ना। गणेश सर्टिफिकेट निकालो। जा निकाल निकाल। ये लीजिए सर। पढ़ना। इंग्लिश इंग्लिश में है। यही सर्टिफिकेट होगा। यही सर्टिफिकेट है ना। हाँ हाँ। क्या करता हूँ? ऐसा मत कीजिए, उसे मत फाड़िए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बोल, वो डॉक्टर बन सकता है? बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। अब लगता है शिवानी के दोनों भाई गणेश को ठीक से पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए गणेश को मैंने दूसरे एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का इंतजार दिया है। ऐसे कब तक चलेगा सर? उनके डर से भागने लगूंगा तो भागते ही रहना पड़ेगा। मैं जहां भी जाऊं वो लोग नहीं छोड़ेंगे। गणेश, ये डर तो सिर्फ वो फरार गुंडा गंगू कालिया और उसके गैंग को गिरफ्तार करने तक ही रहेगा। तब तक प्रिंसिपल के कहे मुताबिक तू शहर जाकर पढ़ाई कर और वहां हमारे डिपार्टमेंट के लोग तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। चाचा जी, मैं भी चला गया तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? जब मैं तुझे बचा सकता हूं तो क्या इन्हें बचा पाऊंगा? गणेश, वो लोग अपने चाकू से लोगों की जान लिया करते हैं, तुम अपने चाकू से लोगों की जान बचाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें हत्यारा बनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। हर हालात में हम तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, कातिल के रूप में नहीं। बेटे गणेश, चाहे कुछ भी हो जाए तुम शांति से रहकर कुछ बन के दिखाओ। भाई गणेश, उन जालिमों ने तुम्हें और उस लड़की को 3 दिनों में जान से मारने की कसम खाई है यार, अब तुम क्या करोगे मेरे भाई? हेलो। ओए, तेरी लौंडिया को मारने के लिए उसके घर आया तो वो तुझसे मिलने के लिए तेरे कॉलेज गई है, उसे वहीं खत्म करने के लिए मैंने हाथी भेजे हैं। ए, लड़ाई हम दोनों के बीच है, उस लड़की को कुछ मत करना। दिन गिन लेना, उसके बाद तेरी बारी है, ये याद रखना। कौन है वो? भैया। अबे गधे, हमसे पहले उसे कौन ले जा सकता है? हमने सोचा उस दिन तुमने हमें गुंडों के हवाले कर दिया, लेकिन वो लोग तुम्हारे चाचा के डिपार्टमेंट के आदमी थे, ये हमें बाद में पता चला। बेइंतहा रिस्क लेकर तुम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, हम तुम्हें शक्ल दिखाने के भी लायक नहीं है गणेश। ये जब तुमसे मिलने के लिए हमारे कॉलेज आई थी तब कुछ गुंडे इसे पकड़ने के लिए यहाँ आए थे, उन्हें चकमा देकर हम इसे यहाँ तक ले आए। ये मेरा इलाका है गणेश, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें जो भी मदद चाहिए हम तैयार हैं। तुमने जो मदद की उसके लिए थैंक्स, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा। चलो, चल रहे। मेरी मदद करने की वजह से ही आपके साथ ये सब हुआ है। वहां पे हुई उस वारदात के बाद मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं मिल नहीं पाई। दोबारा बस स्टैंड में आपको देखा तो अपने आप पर मैं इस तरह क्यों पेश आई मैं खुद नहीं जानती। I think I love you। मेरी बात सुनिए, मैं किसी से प्यार करने की हालत में नहीं हूँ। शिवानी के दोनों भाई इस गलतफहमी में हैं कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं, इसलिए मुझसे पहले आपको मारने के इरादे से वो आपको ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर मत निकलिए, इसी में आपकी भलाई है। चलिए चलते हैं। जब मुझे नहीं पहचानते थे तब भी तुमने मुझे बचाया था, अब जब जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो नहीं बचाओगे क्या? Oh,
बता दूं रप्पा रप्पा पास आ रप्पा रप्पा महबूबा मस्तना रप्पा रप्पा तेरी हूँ रप्पा रप्पा चाहती हूँ रप्पा रप्पा तेरा जप्पा कल रात को नींद से जगा गई जो वो थी तेरी सदा बाद में मिलते हैं बाय देखती हूँ गणेश को मेरी परवाह है या नहीं हेलो मैं रीमा बोल रही हूँ बोलिए क्या बात है मैं सेमिनार के सिलसिले में ग्लोबल टावर आई हूँ आपको बाहर घूमने के लिए मना किया था ना वो छोड़िए एक जरूरी बात जो मुझे मारना चाहते हैं वो इस वक्त यहीं पर है उससे ये बोलने वाली हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ हेलो हेलो गंगू भैया यही उस गणेश का माशुका है Look at me! Hey!
तुझे बात समझ में नहीं आती? तू चाहे जितनी बार भी आए तेरा अंजाम यही होगा। मेरी बात मान, ऊपर आ जा। तेरी मेहरबानी से मिलने वाली जिंदगी का बोझ ढोने से बेहतर है मौत को गले लगा लेना। राजा भैया, राजा भैया, कैसे? जिसे मरना चाहिए वो अभी तक जिंदा है, लेकिन हमारे अपने एक एक हमें छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? Oh my God! Shit! क्या हुआ सर? राजा भैया जेल से फरार हो गया। उसने रीमा को किडनैप करके गणेश को वहां पर बुलाया और गणेश वहीं पर जा रहा है। वहां कोई खून खराबा हो उससे पहले उसे रोकना होगा। लड़की कहां है? Hey! अगर शिवानी से शादी करता तो कितना खुश रहता, ये सोच सोच के तू तड़पेगा। कहां है वो लड़की? तुझसे शादी करने का सपना देखने वाली कोई लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, यही मेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर मैंने उसकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की तो मैं उसका बड़ा भाई कहलाने के लायक। उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? दर्द होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं अब बोलता हूं, गौर से सुन, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं।
और इसी से शादी करने वाला हूं। दम है तो इसे छू के दिखा, आजा। अपने बाबूजी का टांग तोड़ा था ना, टांग से इसे लात मारा था ना। क्यों क्यों इस तरह जानवर बना घूम रहा है? तेरे खानदान में कोई भी शराफत की बात नहीं समझता। तो एक बात जानता है, जैसे ही पता चला कि तेरी बहन मर गई, तब तुम सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे हुआ था। मैं चाहता था कि तेरी बहन एक अच्छी औरत बने, लेकिन कभी उसे मुर्दा नहीं देखना चाहता था। तेरे भाई की इतनी जिद, उसकी जान बचाने की मैंने कितनी कोशिश की पता है, लेकिन उसकी जिद ही उसकी मौत बन गई। मरने और मारने के लिए पागल बने घूम रहे हो, जान की कीमत जानते हो तुम लोग? यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स तुम जैसे बन जाते तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहता। हम सब जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं, जान की कीमत क्या है हम जानते हैं। किसी की जान लेना और देना सिर्फ ऊपर वाले का काम है, हम में से कोई भी यह हक नहीं रखता। अब भी मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है। ए, इंसान बनने की कोशिश कर। माले, तुमने किससे दुश्मनी मोल लिया है पता है? छोड़ेंगे नहीं तुझे। ओए, मेरी जिंदगी में एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक पल मैंने अपने आप को हीरे सा तराशा है। Thank you.
आगे चलो ना जल्दी। सर ये मेरा राशन कार्ड है। मैं कर रहा हूँ ना काम, अब क्या मैं तेरे लिए स्पेशल बताऊँ? सब लोग एक ही सवाल पूछ पूछ कर जान खा जाते हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। नमस्ते। हाँ। अगला। कहीं जगह नहीं मिलती है तो यहीं भाग कर आ जाते हैं, यहाँ हम लोगों के गले अटक जाते हैं। तरफ। ये भी कोई नौकरी है? नाम? बिल्ला, डेविड बिल्ला। लोग क्या कह के पुकारते हैं तुम्हें? ये पुकारने वाले पर निर्भर है। कहाँ से आ रहे हो? दरिया से। अबे ये तो हम भी जानते हैं, किस शहर से आए हो ये पूछ रहे हैं साहब, तमीज से जवाब दो। गांव? पालमपुर। पिताजी? माँ? तो क्या अनाथ है? नहीं, सिर्फ बहन है। कहाँ पर? मुंबई में। एड्रेस बता। नहीं जानता। पालमपुर में क्या उखाड़ रहा था? घास उखाड़ रहा था। ओए चेक कर इसे, आतंकवादी है तू? योद्धा और आतंकवादी में एक ही अंतर होता है, जीत। जीतने तक आतंकवादी और जीतने के बाद योद्धा। क्यों बे, कोई मार्क है क्या? नहीं है सर। नहीं है? एक भी नहीं है सर। इसे ले जाकर फोटो खिंचवा दे। चल हाँ मेरे पीछे आ। ये आएगा सबका नंबर। अगला। हाँ इधर। अरे सुबह से बच्चा रो ही रहा है, आज दूध नहीं मिला, कब मिलेगा? चार दिन दूध नहीं मिलेगा तो मर जाएगा क्या? ये सब दूध पीकर बड़े होकर कलेक्टर बन जाएंगे हैं? क्या है? वो देखो उसने वहाँ पे उसको थप्पड़ मार दिया। क्या करें, एक तो सारे लोग थके हारे हैं, यही है, और इस तरह सताएंगे तो ऐसे ही थप्पड़ पड़ेगी। ए चल चल, चलो जान दो, अपना काम करो। क्या नया आए हो? नाम? बिल्ला, डेविड बिल्ला। अरे सुनते हो? आओ। क्या छोटे, गर्मा गर्म चाय पिलाओ क्या? ए मजाक कर रहा है क्या? रघुवीर साहब के बारे में तूने ही खबर दी थी, ये अभी तक उनको नहीं पता, इसीलिए तू अभी तक जिंदा है। अगर पता चल गया तो तू तो गया काम से। ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? मैं तेरे इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ बोल ले जितना चाहे बोल ले, तेरा तो टाइम आ गया। डेविड तुझे देखकर छोटू कैसे भाग रहा है देख। आइए भाई। भुवन चाय दे। क्यों डेविड, हमारा तो कोई काम धंधा नहीं इसलिए यहाँ पर है। तुम्हारी तो एक दीदी ऐसा कहा था ना, तुम वहाँ जा सकते हो ना? पहले भी मुझे मेरे परिवार ने नहीं समझा, अब समझ पाएंगे कि नहीं क्या पता, लेकिन जाकर मिलना तो होगा। भाई स्पेशल चाय। डेविड जब से तुमने छोटे को मारा तब से तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। चल टॉर्च दे। ये लीजिए सर। ए, ये है क्या? ये नहीं है सर। ये है? सर ये अंधा है सर। तो वो कहाँ है? यहीं कहीं होगा सर वो।
सर यहाँ देखते ना सर। क्या कहा? उठ बे, चल उठ। ये है क्या? ये नहीं है सर। नहीं है? तो फिर वो कहाँ गया? ए, उठ। ये है क्या? सर, ये भी नहीं है सर। ये तो नए आए हैं। अबे, तो फिर है कहाँ? चल सर, वो भाग रहा सर। वो ही है सर। क्या है बे? क्या करने वाला है? साले। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की ना, उसकी यही हालत होगी। हे छोटे, इसे उठाकर समंदर में फेंक दे। रघुवीर सिंह इस कैंप का सिक्योरिटी ऑफिसर है, इससे पंगा लिया तो यही हाल होता है। विमल जहां पर काम कर रहा है वहां 5-6 लोगों की जरूरत है। वहां और भी काम है, उसने कहा था। ओए, इधर आ। मैं? आ तू इधर आ। चल बैठ जा, थाने चलना है। क्यों सर, क्या काम है? एक अपराधी भाग गया है, इसलिए 2 दिन अंदर रहकर आ जा, मैं पैसे दिलवा दूंगा। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, मुझे काम पे जाना है। तो आएगा या नहीं आएगा ये पूछने नहीं आया, चुपचाप गाड़ी पर बैठ जा। नहीं सर, मैंने सर नहीं सर, 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 मरना है क्या तेरी तो? हम बागी जरूर हैं पर अनाथ नहीं है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। अगर इससे ज्यादा तुम कुछ करना चाहते हो तो 4 दिन के बाद ये बाहर आ जाएगा, फिर तुम जो चाहो कर लेना। अनाथ नहीं, जाने क्या क्या बोला था ना? क्या हुआ, कोई भी यहां बचाने नहीं आया ना? बाहर निकल, और भी बाकी है। पोतने के लिए 5 लोग चाहिए। मैंने कहा था ना, रोज काम के लिए लोगों को चुनता है। अच्छा तू आ, तू भी आ। ए मोटे, तू भी आ। लोहा उठाने के लिए 3 लोग चाहिए। हाँ तू आ, तू भी आ। हाँ तू भी चल। पत्थर तोड़ने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। रवि तू आ। हाँ कपिल तू भी आ। ए मोटे तू भी चल। हाँ आज सिर्फ इतने ही, अगर जरूरत पड़े दोबारा बुलाऊंगा। अब जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ ना भाई जाओ। पगार मिलते ही कमीशन मिल जाना चाहिए, वरना मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, पता है ना, याद रखना। चलो चलो गाड़ी वहाँ खड़ी है, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ ना भाई। भाई क्या है भाई, आप दोनों के लिए मैंने एक अच्छा सा काम चुनकर रखा है और आप लोग ऐसे जा रहे हैं, चलो ना। पैसे अच्छे मिलेंगे तो आएंगे। तो फिर तैयार रहो, मैं आकर बुलाता हूँ। अच्छी को संभाल के ले जाओ। हाँ अच्छी है,
सलाम भाई। हाँ, क्यों रे छोटे? सलाम भाई। क्या हुआ रे, इतनी देर क्यों हुई? भाई मैंने कहा था ना वो दो लोग हैं। हाँ, डेविड रंजीत। सलाम। बोलिए सर। मैंने मुंबई में एक पार्टी को मछली सप्लाई करने के लिए कहा है, अब यहाँ अचानक ट्रक वालों ने स्ट्राइक कर दी है। अब क्या करूँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये खराब होने वाली चीज़ है, अगर समय से पहुँच जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, पगार कितना मिलेगा? वैसे तो 3,000 रुपये देते हैं, स्ट्राइक है इसलिए 3,500 दे देंगे। 5,000 लेंगे। क्यों बे, ये लोग तो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अगर मछलियाँ खराब हो गई तो उसको समंदर में ही फेंक दोगे ना? अरे हाँ कह दो ना भाई, अगली बार देख लेंगे। छोटे, जैसा कहा था वैसे तुम लेकर आ गए, हिसाब मैंने कर दिया है। अगर सामान पहुंच गया तो एक फायदा, और नहीं पहुंचा तो दुगना फायदा होगा। भाई मैं आपको फोन करता हूँ, आप एक चलो जाओ। ठीक है सर। डेविड, उस छोटे को तो दो और लगाने चाहिए थे। क्यों? एक ही थप्पड़ में 5,000 का काम दिया है, दो लगाए होते तो हम दोनों को 5,000 मिलते। मछली खराब ना हो जाए इसलिए डर गया था। ऐसे लोगों का डर ही हमारी ताकत है। डेविड, हम सब एक काम खत्म करने के बाद एक हफ्ते तक मुंबई में खूब ऐश करेंगे, फिर लौटेंगे। मैं भी दीदी से मिलकर आ जाऊंगा। ए रुको, इधर इधर, साइड में, साइड में रुको, रुको, साइड में लगाओ, रुको, साइड में, साइड में, साइड में रुको, रुको, साइड लगाओ, साइड लगाओ, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, चलिए चलिए चलिए, हेलो, आजा 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 आजा, चलो 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 चलो, आ गया आ गया, हाँ इतना चलो, ले ले बस बस। ए तुम दोनों गाड़ी से नीचे उतरो, चलो। क्या लेकर जा रहे हो? क्या साहब, जुकाम हो गया क्या? मजाक कर रहा है तू? नहीं, इतनी बास आ रही है, मछली ले जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है। ए राजू सर, गाड़ी चेक करो। जी सर। सर ये मिले हैं सर। पांडे सर, क्या हुआ? फंस गए सर। ओके सर। में इतने हीरे हैं तो बाकी मछलियों में कितने होंगे? अगर किसी और को बेच दें तो बहुत पैसा मिलेगा। चुपचाप हम लोग किसी को बेच के लाइफ सेटल कर लेते हैं, क्या बोलते हो? सामान जहां पहुंचाना है पहुंचा देते हैं।
जय राम जी की। जय राम जी की। हाँ, क्या हुआ भाई, आज जल्दी उठ गए? हाँ। अरे ए सोनू, गर्मा गर्म चाय कॉफी तो बनवा दे। ठीक है भाई। लगता है आज दुकान जल्दी। तो क्या करे भाई, अरे दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, हमारा तो धंधा ही यही है। सही कहा। समोसे मास्टर। हाँ मालिक। मैदे में नमक मत डालना, मैंने पहले ही डाल दिया था। ठीक है मालिक, मैंने डालूंगा। बताइए। अच्छा सुन, लगता है प्याज वाला आ गया है, मैं बाद में फोन करूँ। जी ठीक है। हाँ, मुझे याद है भाई, अरे मैंने कहा ना मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, जय राम जी की। वो यहाँ पे रामेश्वर। मैंने आपको नमस्कार करके आपका स्वागत किया, आपको भी जय राम जी की बोलना चाहिए था ना। जय श्री राम। हाँ लेकिन मैं तो सेलवाराज से मिलने आया हूँ। सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। क्या खाएंगे आप सुबह का नाश्ता, इडली या पाव भाजी या डोसा या पूरी भाजी? मछलियां लेकर मैं शायद गलत पते पर आ गया हूँ, चलता हूँ। अरे सुनिए भाई, इधर आइए, आइए ना, आप सही पते पर ही आए हैं, भाई ने भेजा है ना। जी हाँ। आप गाड़ी को पीछे लेकर आइए, मैं भी आता हूँ। पीछे मतलब? मतलब पीछे की रोड की तरफ लेकर आइए। ठीक है, इसे अंदर रख दो, हाथ मुंह धुलकर नाश्ता कर लो। सेल्वा, 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 हम लोग बर्बाद हो गए। सेल्वा, हमने जो सामान भिजवाए थे वो लूट गए। समझ में नहीं आया भाई। नए लोगों के साथ भिजवाया था, वही लोग लेकर उड़ गए। अगर वो लोग मेरे हाथ लग गए ना तो खुदा कसम मैं उन लोगों को काट डालूंगा। किसे मारोगे भाई? पुलिस चेक करेगी, मुझे सच में पता नहीं था डेविड, मेरा भरोसा करो। भाई आप ही बोलो ना। छोड़ ना भाई, पुलिस चेक पोस्ट छोड़ ना भाई, ये सब छोटे बच्चों की बातें हैं ना। आइए अंदर आइए ना भाई, रघुवीर कैसा है? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं, ये क्या भाई? अरे नहीं नहीं, आप भी ना भाई। हम लोग कितने बिजनेस साथ में किए हैं, कितनी प्रॉफिट बाकी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। भाई ये लो पान खाओ। बोलो। अरे पान खाओ ना, खाओ ना भाई। अरे खाओ ना भाई। अरे जग्गू सुन। हाँ भाई। अंदर एक छिपकली मरी पड़ी है, उसे उठाकर बाहर फेंक दे। ठीक है भाई। अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो? शरीर में इतना दर्द है, उसको मिटाने के लिए 2 दिन तक हम लोग मसाज करवाएंगे, फिर अपने गांव लौटेंगे हम लोग। ये लो। जो काम करना था उसके पैसे तो ले चुके हम। अरे काम करने के पैसे तो मिल गए, ये अगले काम के लिए है ना।
इधर ला, ये देख। पिताजी, माँ, अनाथ है क्या तू? दिन हो गए डेविड, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। तू कब आया? बस कुछ दिन हुए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चलो कम से कम तुझे अपनी बहन को देखने की तो इच्छा हुई, यही काफी है। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ डेविड, मेरे लिए क्या लाए हो? ऐ, तू चुप नहीं रह सकती? जब देखो इससे कुछ ना कुछ मांगती रहती है। गलत क्या किया, इतना तो हक बनता ही है। मुझसे ही तो मांग रही ना थी, छोड़ो ना। बाइबल लेकर आने वाली जगह पर तू पिस्तौल लेकर आया है, तब भी नहीं सुधरा था, अब भी नहीं सुधरा है, तू कभी भी नहीं सुधरेगा। माँ जी, डेविड आज यहाँ कितने दिनों बाद आया है? कहाँ था, कैसा था, कितनी परेशान थी आप, और अब ऐसी बातें कर रही हैं? तू चुप कर, चल। डेविड, माँ जी को तो तुम जानते ही हो, दिल की बुरी नहीं है। ये कुछ पैसे? ये सब नहीं चाहिए, बस तुम मिलने आते रहो डेविड। भैया चाय। ये कैसी चाय उबाल कर ले आया है? चल जा 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 जा। जय राम जी की। जय श्री राम। क्या रामेश्वर राव, अरे कोट सूट पहनकर रात में? एक खास काम से आया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, चल बैठ जा। ये सब अपने यहाँ के लड़के हैं, चल बैठ जा। ये डेविड है, वो रंजीत है। हेलो हेलो। और ये राम। डेविड, ये हमारे दोस्त कोटी हैं, पुराने पहचान वाले हैं, गोवा में रहते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे मालिक अब्बासी ठीक है ना? उनको क्या होगा, सब हैप्पी हैं। बस मैं ही। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? अब क्या करूं? एक करोड़ का पाउडर लेकर आया था, अब पार्टी आखिरी समय में गायब हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो वो सामान लेकर आए थे वो संभाल कर रखा हुआ है ना? अरे नहीं भैया, वापस ले जाने में परेशानी है, यहीं कहीं किसी को टिका दूं तो अच्छा है। अगर तुम मेरी मदद कर दो। ये क्या, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं करूंगा। डेविड, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें कहां लेकर जाएगा पता है ना? वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ अपना धंधा भी बदल लेना अकलमंदी होती है, वरना गायब हो जाओगे। कोटी, ये धंधा डेविड करना चाहता है, सारी जानकारी इसको दे दो। ये लो, कल 10 बजे से एड्रेस पर आ जाना, तब तक मैं बॉस से बात कर लूंगा। चलता हूँ। जय राम जी की। डेविड, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा इच्छा कर रहे हो, समझ में आ रहा है? इच्छा नहीं है भाई, भूख है। हाँ
ये अचानक क्या हुआ? उसके बताए टाइम से पहले गए तो हमें गरजमंद समझेगा वो, अगर 10 मिनट लेट गए तो गैर जिम्मेदार समझेगा, इसलिए अगर टाइम पर जाएंगे तभी वो हमें भरोसेमंद समझेगा। अभी 10 बज रहे हैं। अच्छा तुम जाओ। हाय डेविड, आओ आओ, क्या पियोगे? स्कॉच? मैं तो कुल्ला भी स्कॉच से करता हूँ। सीधे मुद्दे की बात पर आ जाए। मैंने बॉस से बात कर लिया है। ये हेरोइन है, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। बेच कर दोगे तो 50,000 दूंगा। 5%। वेट वेट, ओके, बिजनेस खत्म करके गोवा जाना, तुम्हारा शेयर वहीं मिलेगा। 5% वाली बात बॉस से पूछ लो। बॉस से डिस्कस किए बिना वो कोई फैसला नहीं करते। अच्छा डेविड, ये कौन लेगा, ये तुम्हें कैसे पता? शहर में बुराई को ढूंढना मुश्किल नहीं, चलता हूं। रंजीत, तुम और राम बाहर नजर रखना। कपिल चलो। भाई अंदर ही हैं। जाओ। तुम तो टाइम पर आ गए। नाम क्या है, क्या लेकर आए हो? ए भाई, ये क्या लेकर आया है? देख, माल कड़क है भाई, ले जाकर अंदर रख। अब यहां क्यों बैठा है, चल निकल। पैसा? पैसा? तुझ में तो बड़ी हिम्मत है रे, तेरी दाद देनी पड़ेगी। मुझे पाउडर देकर मुझसे पैसे मांग रहा है। ए, चल जा बे, सही सलामत निकल ले। ए, एड़ा हो गया क्या, सामान देकर खाली हाथ जाएंगे? मुझे बेवकूफ बोला, मुझे बेवकूफ बोला तूने। अब तुझे अक्लमंदी दिखाता हूँ। अब ठीक है ना, ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहा है। तुझे सही सलामत निकलने को कहा था ना, अब तू निकल ले। बहुत देर हो गई, जाके देख ले। मैं देखता हूँ। Oh.
नाम पूछा था ना, बिल्ला, डेविड बिल्ला। So you are David. रंजीत, कोटी ने बताया था, कोटी से मिले ना? अब तो आपसे मिल लिया ना। Assignment has started. Dimitri, don't worry. I'll do my best. I understand situation. Okay. I will call you back. Sure. लुटा हुआ माल फिर से हासिल करके कैसा लग रहा है आपको? अनबिलीवेबल। ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। डेविड, मीट समीरा, माय गर्लफ्रेंड। हाय। ओके, वी विल मीट इन इवनिंग, कम टू माय क्लब। हाँ, घुमा, हाँ देखो,
डेविड, मजा आया तुम्हें? मेरा क्लब पसंद आया ना? जन्नत में दावत दे रहे हैं और पूछ रहे हैं पसंद आया। चीयर्स। चीयर्स। आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। थोड़े दिन रुककर सारा कुछ देखकर जाओ। सर फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो अब्बास दिमित्री। ऑसम। ओके आई विल सी अबाउट इट। एनीथिंग सीरियस? दिमित्री का आर्म्स कंसाइनमेंट कोस्टल गार्ड ने सील कर दिया है। हेल्प करने के लिए कहा है। 20 करोड़ रुपए देगा। नहीं अब्बासी, अब उस डिपार्टमेंट में हमारी पहचान का कोई भी नहीं है। आर्म्स प्रिवेंशन एक्ट अब बहुत टफ हो चुका है। सही कहा। 20 करोड़ के लालच में आकर इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब वो कंसाइनमेंट है कहाँ? Thanks, Abbasi. Yeah. For the next consignment, I will let you know. Okay. See you later. Bye. David, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। प्रवीण साहब, ये डील होने के बाद हमें भूल मत जाना। हाँ देखते हैं। क्या कोटी, होने वाले सीएम को लेकर आ गए? पॉलिटिक्स में जाने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं इसलिए लेकर आ गया। क्या हुआ, इलेक्शन है क्या? हमारी कोई मदद चाहिए क्या? जरूरत पड़ेगी। ये सीएम जब तक है तब तक हम जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा बेटा सतीश अगर आपके साथ रहेगा तो काफ़ी सीख जाएगा, पैसे भी कमा लेगा। बैड आइडिया। बैड आइडिया क्या? इस लड़के का हमारे साथ रहना? नहीं, इस लड़के के साथ हमारा रहना। डेविड, बेकार की बात मत करो, हमें गवर्नमेंट की बैकिंग मिलेगी। पावर मेरे पास, तुम्हारे पास हिम्मत, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। पावर और हिम्मत के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसके आगे काबिलियत भी होनी चाहिए। ए, मैं पॉलिटिक्स में 30 साल से राज कर रहा हूँ, तू कह रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? अगर आप गलती करेंगे तो सिर्फ आपकी कुर्सी जा सकती है, पर इस बिजनेस में जान भी चली जाती है। अब्बासी, मैं इससे बात करने नहीं आया। अब्बासी, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, अब जो होने वाला है उसका सामना करने के लिए तैयार रहो।
हाँ बोलो जस्मीन। हाँ बोलो। बाजी अब नहीं रही। डेविड आई गो सारा का सारा कंसाइनमेंट जो है वो लिख के ओके ठीक है जस्मीन। हाँ जस्मीन मिसेस पेड्रो, तुम्हें जो भी चाहिए ला कर देंगी। डेविड, मैंने तो सोचा था हम साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाले हो? अपने बॉस के गेस्ट हाउस में। अब्बासी ने बुलाया। ठीक है, आता हूँ। प्लीज डेविड, कम से कम मेरे लिए तो यहाँ रुक जाओ ना। कॉलेज के लिए एप्लीकेशन मंगवाया है, फिलअप करके रखना। वेलकम वेलकम सेट। How is Dimitri? He is OP. Consignment छुड़वाने के लिए हमें जो amount आना था, वो deposit करवा दिया गया है। This is a gift for you from Dimitri. Thank you. इस आफत को थोड़ा दूरी रखो। Dimitri хочет, чтобы вы приехали в Паровье, обсудить детали сотрудничества. इस दोस्ती को बढ़ाने के लिए आप लोगों को Паровье आना पड़ेगा, ऐसा Dimitri चाहते हैं। Definitely. मेरे बदले कोटी आएगा। господа. Have a safe trip back. See you my friend. कोटी, डेविड भी साथ जाएगा, भाभी को साथ ले जाओ, भाषा जानता है। Dimitri अच्छा दिखता है लेकिन बहुत खराब बंदा है, बी केयरफुल। Thank you.
page. So, what have you decided? Mr. Dimitri, the deal is not worth it. Do you think we are fools? We can't go ahead. It's fine. I'll find somebody else. What does he think of himself? This won't work. He's useless. Idiot. Wait! Who said that? आइसक्रीम ही मंगवाना है ना? आइसक्रीम। ओके मैडम। जैस्मिन, मैं कुछ काम से बोरोविया जा रहा हूँ। आने में थोड़ा सा। मैं भी चलूँ? तुम्हारा साथ देने? मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। रवीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं। इट मींस तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? हाँ, मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगा। David. Samira. Hi. कैसी हो तुम? Good. Shopping? Oh no, I just came here to meet my friend. Jasmine. Samira, my friend. Samira. Jasmine. Hi, Jasmine. All right, David. See you later. ओहो, तो यही समीरा है? अब समझी. David, pass me through my fabrico. पहले ये फैक्ट्री देखने के लिए बोल रहे हैं। This is my factory. जीवित सोते में तो इतना चित्री, तुम जिसे मिलियन ऑफ डॉलर ऑफ AM4 है, एक मिनट में 200 बुलेट निकालती है, 70 मिलियन डॉलर बिजनेस, इनके किए हुए बिजनेस की कीमत 300 मिलियन है। इस विनीतिया, इनका इतना बिजनेस होता है क्या? मार्केट हथियारों का नहीं, मौत का है। जब तक मौत है तब तक हथियारों का मार्केट रहेगा। फैक्ट्री पसंद आई, पूछ रहे हैं। बहुत पसंद आया। हमें अपना बिजनेस अगले लेवल पर ले जाना होगा। मैंने इंद्रारत सा याद मायू न्यू प्रदर्शन। डेविड, दिमित्री को बुलाकर डील की बात करेंगे। अब्बासी से पूछे बिना कोई फैसला मत करना। ये मत भूलना कि तुम्हें मेरे साथ भेजा गया है। डर लग रहा है क्या? जब डील की बात चल रही हो
तब वहां मत रहना। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था। Извините, господа, Дмитрий хочет вас видеть. Пойдемте со мной. Дмитрий बुला रहे हैं। हमारी मदद के बदले ये कुछ भी करने को तैयार हैं। थैंक यू। हम भी तुम्हारे साथ मिलकर आर्म्स बिजनेस करना चाहते हैं। इट मींस भाई, वी वुड लाइक टू डू बिजनेस विद यू। ओके, आई विल डू माय बिजनेस विद यू, but make sure that of my first consignment passes through the Indian waters, which worth 500 million US dollars. Will do. Hello, Dimitri. Jagdish, my friend, Interpol officer. David, about his main man. He is going to handle Azania's business. Maine suna hai. Smart guy. You're the right place at right time. Good, good. He has some people not right around him. He was a bloody one Interpol informer. Mere department se hi मेरे जरिए उसको पैसे मिलते थे, ये बात वो जानता था। तुम्हारे साथ जाने पर ऐसी बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? वो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं था। सुनो कोटी, बिजनेस डेवलपमेंट का कोई आइडिया सुनाया था क्या? सर खफा लग रहे हैं। डेविड, मैंने तुम्हें ब्रोविया क्यों भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम पर शक हो रहा है। ये शक आपको हुआ है या कोटी को हुआ है? हाँ, तुम्हारे कामों को देखते हुए किसी को भी शक हो सकता है। अब्बासी, मैं चुपचाप कुछ नहीं करता। मेरे बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमसे पहले मैं उस बॉबी को जानता था। वो आदमी हमारा भरोसेमंद था। भरोसेमंद आदमी कौन? बॉबी? बॉबी इंटरपोल का इन्फॉर्मर था। वो मेरे बचपन का साथी था, फंसाता नहीं हमको। अब तक जितने लोगों ने फंसाया है वो भी मेरे साथी ही थे। जिस काम से गए थे वो काम खत्म करना था, तुमने उससे बिजनेस की बात क्यों की? बिजनेस को एक मुकाम पर ले जाना है। मैंने आप ही के लिए बात की। हथियारों के बिजनेस में कितना मुनाफा है ये तो आप जानते ही हैं। मुनाफा चाहे कितने भी करोड़ का हो तो क्या हुआ? अब्बासी तुमसे पूछकर बिजनेस करेगा, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अब्बासी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोटी बिल्कुल सही कह रहा है। दिमित्री के बारे में तुम क्या जानते हो? उसके साथ डायरेक्ट आर्म्स बिजनेस करने का मतलब हमारा खुद आत्महत्या करने के समान है। अब्बासी, मुझ पर भरोसा रखो। इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संभल कर चलना। अबे क्या कर रहा है ये? चलो। ए, क्या चाहिए तुझे? क्या?
मेरे को बाहर निकालो, जल्दी करो। साथ रहो ना मेरे साथ। तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मुझे पता है। मेरी क्या गलती है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश है। छोड़ कर ही जाना था तो क्यों लाए। अब्बासी, डेविड को काबू में रखो, उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट को परेशानी हो रही है। मिनिस्टर प्रवीण कुमार के बेटे को पब्लिक प्लेस में मारा है उसने। अगर उसने आगे कुछ कर दिया तो उसके ऊपर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, उससे तुम्हें परेशानी होगी। फिर तुम मुझसे नाराज मत होना, ओके? मैंने पहले ही कहा था, तुम माने ही नहीं। ये लो आ गया, खुद ही पूछ लो इससे। क्या हुआ कोठी, अब कौन सी नई आग लगाई तूने? तुम्हारी हरकतों की वजह से जो मुझे सलाम करता था, अब मेरे सामने बैठकर मुझे वॉर्न करके जा रहा है। मैंने क्या किया है? सतीश को क्यों मारा? जैस्मिन से जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे मारूंगा। कौन है जैस्मिन? वो पर्सनल है। पर्सनल क्या है, वैसे भी प्रवीण कुमार हमसे नाराज है और अब उसके लड़के को पीट दिया इसने। इसकी वजह से मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। मेरा बिजनेस? दिल में कुछ और रखकर बोल रहे हो क्या? सीधे बात करो। नौकर से सीधे बात करने की जरूरत नहीं है। डिमिट्री के कंसाइनमेंट को जब बचा कर लाया था तब तो दोस्त बन गया था मैं, ये दोस्त नौकर कब बन गया? तो दिन पर दिन अपने लिमिट क्रॉस कर रहा है डेविड। मेरी बात सुन अब्बासी, तो कुछ और सोच कर बात कर रहा है। बिल्ला दोस्ती में जान भी दे सकता है। और दुश्मन हो तो जान से मार देगा क्या? क्यों भाई, अगर अब्बासी नहीं तो डेविड भी नहीं। अब्बासी, बैठकर काम कराने वालों में और अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वालों में बहुत फर्क होता है, ये बात याद रखना। मैंने फैसला कर लिया है, अब से ड्रग्स बिजनेस को हम खुद करेंगे। डेविड, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो, गलती हो जाएगी। आज ही हमने सही फैसला किया है, कितना कमा कर दिया है हमने उसे। तो उससे क्या, कितने सालों से वो इस बिजनेस में है, तुम्हें करने देगा ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे का प्लान? कार्निवल वाले दिन रशियन ड्रग डील को हम पूरा करेंगे। Oh,
Hi, I am Ram. You want to go into business on your own? Smart move. So I see you want to handle these deals on your own now. But do you think you can do it about a basset? I am proud of you, Ram. Good job. तुम्हारी कनाडा जाने की इच्छा थी ना? ये लो खर्चे के लिए, मेरी बातों को मानने के लिए, कहे मुताबिक काम पूरा करने के लिए. थैंक यू अब्बासी. तारिक. अब्बासी, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? डेविड के साथ जैसा किया, कल को मेरे साथ वैसा नहीं करोगे, क्या गारंटी है? दिन कहा था, बैठकर काम करने वालों में और अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वालों में बहुत अंतर होता है. डेविड के बारे में तुमने गलत सोचा. क्यों? यस, तुमसे आमने सामने मुकाबला करना चाहिए था, किसी और पर भरोसा नहीं. मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा. शूट मार! डेविड, उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसीलिए. जंग में हजारों दुश्मनों को मारा जाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन धोखेबाज को जिंदा छोड़ना बड़ी गलती है. ओ,
ना किसी से है कम, तेरा है शेर का दिल, ये है जुर्मों की दुनिया, हो जा तू दाखिल, मकसद जो है तेरा कर ले उसे हासिल, यही है तेरी जिंदगी, बन जा तू कातिल, कातिल बन जा तू, अब कातिल, कातिल बन जा तू, अब कातिल, कर दे खात्मा गुनाहों का तू, बेताज बादशाह यहाँ का बन जा। Welcome, my friend. Hello. Welcome to my world. Arms consignment is ready. As per our discussion, you promised you will help us cross the Indian waters. Will do. As always. If you do, as you wanted, we can work together. My share? 5%. Just because you replaced Abbas, don't assume you can dictate terms. Mere bina gun consignment, ek inch bhi nahi hilegi. My consignment will reach Azhania, even without you. Sir, आपका चेक. Sure. Thank you. My pleasure, sir.
लोगों की गरीबी मिटाने के लिए सरकार की योजनाएं और पैसे ही काफी नहीं हैं। अभी अभी डेविड बिल्ला ने हमारे स्टेट वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। हम इन पैसों को जनता की भलाई के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए खर्च करेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों से फंड्स की उम्मीद रखता हूं। थैंक यू। आपके यहां आने से मैं बहुत खुश हुआ। 1 करोड़ रुपए स्टेट वेलफेयर फंड्स, वो भी पब्लिक के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ भी, कितना भी, कभी भी मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारी यह हालत होती तो तुमसे यह सब कहा नहीं जाता। गैंगस्टर होते हुए शॉर्टकट मारकर वीआईपी बने हो तुम। बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा या फिर भिखारी क्यों ना हो, मेहनत करते हैं। मनी डजंट कम इजी सर। आप चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करते हैं, बट यू स्टिल नीड गैंगस्टर लाइक मी टू डू योर डर्टी जॉब सर। अपने दुश्मनों को हैंडल करने के लिए मुझ जैसे गैंगस्टर की जरूरत हमेशा पड़ती है। तुमने मुझे गलत समझ लिया है। ये सीएम नॉट फॉर सेल। हमारी इंटेलिजेंस टीम ने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी है। जस्ट वन एविडेंस टू पिन यू विल एंड अप इन प्रिजन। अंडरस्टैंड? Get the intelligence wings file on. David Billa. It's urgent. David, चलो नीचे चलते हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। Come on, David. Guests are waiting. समीरा, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? CM ने कुछ कहा क्या? Deposit Villa's check in the bank or send the file on my table and check to the bank. Okay, sir. Ranjit. करते हैं कि इस केस में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी को सजा मिलेगी।
पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। जनता से मेरी अपील है कि वो घबराए ना तथा इस मुश्किल घड़ी में शांति बनाए रखें। मिनिस्टर साहब, ये चाल किसी की समझ में नहीं आएगी। क्या कह रहे हो? डिमिट्री के लिए बिल्ला की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सीएम बनने के लिए इस सीएम का हटना जरूरी था। एक तीर से दो शिकार हो गए। आज के बाद डिमिट्री का इंडिया का सारा बिजनेस हम ही लोग डील करेंगे। इतने खुश मत हो, बिल्ला अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है वो। अब वो बाहर नहीं आ सकता। जमानत के लिए अर्जी दी हुई है ना? जमानत मांगी तो क्या, उसने सीएम को धमकी दी है। बहुत सारे आई विटनेस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एविडेंस है बहुत स्ट्रांग है। कैसे बाहर आ सकता है वो? इसके अलावा अगर वो बाहर आ भी गया ना, तो आपके सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं है। अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। माय लॉर्ड, आई प्रे दिस कोर्ट टू ग्रांट बेल फॉर माय क्लाइंट मिस्टर डेविड बिल्ला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कटघरे में खड़ा हुआ ये डेविड बिल्ला हादसे के दिन हद से ज्यादा शराब पीकर चीफ मिनिस्टर को अपने धंधे में मदद करने के लिए धमकी दे रहा था। ये नजारा वहां खड़े हुए सभी लोग देख रहे थे। यहां तक कि योर ऑनर, मीडिया के कैमरे में भी इस बात की फुटेज मौजूद है। अगर आप इस शख्स को जमानत पर छोड़ देंगे तो ये आदमी बाहर योर ऑनर सारे सबूतों और गवाहों को मिटा सकता है। ये शख्स कड़ी सजा का हकदार है योर ऑनर, अतः आपसे मेरी दरख्वास्त है कि डेविड बिल्ला को जमानत ना दें। दैट्स ऑल योर ऑनर। I find undue haste has been shown by the police in arresting the defendant without proper evidence. Until such evidence is produced to the court, I enlarge him in the bail with a third party surety for 5 lakhs. The court is adjourned. उस फंक्शन में तुम सीएम से इमोशनली बातें कर रहे थे, उससे लेकर प्रवीण कुमार खेल खेल गया था। मैंने तो सोचा था जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे संभाला था? तुम कहते थे ना, दूसरे का डर ही हमारी ताकत है, वही अप्लाई किया था। आपको तो पता ही है कि 1/3 मेजॉरिटी तो हमको बहुत पहले से मिला हुआ है। मैं सबको मिनिस्ट्री की पोस्ट तो नहीं दे सकता ना। अरे हमें सीएम तो बनने दो, उसके बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ। क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? हाँ, इसी के लिए तो इतने साल इंतजार किया था ना। मेरे पास तो तू सीएम बनने की ख्वाहिश रखता था, उसके लिए जाल बुना, ये सब राजनीति है जिसके लिए तूने मुझे जेल भेजा, बेवकूफी की। अब क्या तुम मुझे मारोगे? मेरा दोस्त बनने के लिए कोई काबिलियत की जरूरत नहीं, लेकिन दुश्मन बनने के लिए काबिलियत जरूरी है, जो तेरे पास नहीं है। अगर मैं चाहूं तो जेल के अंदर से भी तुझे टपका सकता हूं। बेवकूफी की बात कर रहे हो बिल्ला, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जान देने के लिए लाखों जनता है मेरे साथ। जनता तुझे शायद वोट भले दे दे, लेकिन जान नहीं देगी। मिस्टर प्रवीण कुमार, डेविड बिल्ला तेरे जाल में फंसने वाला नहीं, तू डेविड बिल्ला से उलझना मत। कोटी बोलिए सर। बिल्ला मुझे वार्निंग देकर गया है, उसके मरने की न्यूज
मुझे सुननी है। जैस्मिन, कैसी हो तुम? मैं आ गया हूं ना, तो रो क्यों रही हो? तुम्हारे जल्दी लौट आने के लिए प्रे कर रही थी। डेविड, तुम्हारे एनकाउंटर का प्लान है, सब लोग यही कह रहे थे। मिनिस्टर साहब, डिमिट्री और बिल्ला के बीच अनबन हो गई है। इंडिया में अब उसे एक आदमी चाहिए। आप हाँ कीजिए तो मैं बात करता हूँ। लियो, तो गवरी ओके कोटी। हेलो कोटी। या या मिनिस्टर प्रवीण कुमार वांट्स टू टॉक यू। हेलो डिमिट्री, आई एम हियर टू हेल्प यू। मेरी जान निकल रही थी और तुम हंस रहे हो। जैस्मिन, तुम बहुत डर रही हो। बिल्ला, रिलैक्स। तुम इतने जल्दी आ जाओगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कैसी हो? आई एम फाइन। Whatever it takes before my ship reaches Indian waters. Don't worry, I will take care of everything. Billa will not be alive. I don't care how much it cost. आप कोई आम इंसान थोड़े हैं। अब देखना कैसे खेलता हूँ मैं। जैस्मिन, तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम मुझे जाने के लिए कहोगे? ये मैं जानती थी। डेविड बिल्ला। क्यों डेविड, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कौन? ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी बात मानो वरना जैस्मिन मारी जाएगी। कोटी, फौरन चली आओ, घर में रहना खतरा है। खतरा है? What happened? तुम आओ, मैं बताता हूँ। तुम जल्दी से आकर जैस्मिन को ले जाओ। जैस्मिन को कहाँ लेकर जाना है? मेरी चर्च। जैस्मिन, अब तुम्हारा इंडिया रहना ठीक नहीं, मलेशिया चली जाओ, वहां सारी तैयारियां मैं कर दूंगा।
मुझे भेजकर उसके साथ तुम ऐश करोगे, यही चाहते हो ना? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। हेलो। ओके। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहो तो उसे मलेशिया भेज दो मेरी बुला से। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, समीरा को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने नहीं खींचा, तुमने ही फोन करके उसे बुलाया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैस्मिन प्लीज समझो, तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। समीरा वहां भी आ जाएगी, उसके साथ चली जाओ। भेजना चाहते हो ना? मैं जाऊंगी, तुम्हारी नजरों से बहुत दूर। तुझसे कितनी बार कहा कि मुझसे लड़ना नहीं, तूने क्या सोचा कि तू बहुत शाना है? साले तूने दिमित्री से दुश्मनी मोल ली है और हम दोस्त बन गए हैं, अब समझ में आया? अब ले। तेरे साथ ऐसा भी होगा, ये तूने सोचा भी नहीं था ना? ए, मेरी जिंदगी में एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक पल मैंने अपने आप को हीरे सा तराशा है। मारो उसे, छोड़ना नहीं। खत्म कर दो साले को।
Hello, friends. It's time to talk business. I know you are interested to see what you have purchased. The value of the weapons I have made you is only $500 million. Weapons power is invaluable. Our chief is happy, but he wants to know if the shipment will arrive on time. Your weapons are ready now. The ship carrying the weapons will depart from the port in a few hours. It will sail through Japan, Indonesia, Thailand, and Indian waters. I guarantee you it will arrive on time. See live view of weapons leaving my factory. Mistake I made. I didn't believe in him. It will reach you in 1 hour. Thank you.
see David. Kill him and recover our weapon. Train should reach the port at any cost, you understand? Now go. Follow the train. Follow.
सोचा हुआ सारा काम खत्म हो गया। अभी शो शुरू हुआ है। शेर का दिल